ये वाली पूरी हेडिंग आपकी कॉपी में डालना, जिससे कि आपको पता चले कि आपने जो कॉपी में लिखा है वो किस टॉपिक से रिलेटेड है। ठीक है, सिर्फ ऊपर वाली एक लाइन, बाकी सब तो सिर्फ पढ़ लेना। ऊपर वाली एक लाइन बस आपको अपनी कॉपी में लिखना है, और इतना ये। और आज अपन सॉल्व कर रहे हैं सेट बी। ठीक, इतना पहले लिख लो आप लोग। जो बच्चे कल मेरी क्लास में बैठे थे उनको सब मालूम है, तो जो कल मेरी क्लास में नहीं थे उनको ये शीट 1 मिली क्या, जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा है? इसको 1 मिनट हाथ में उठाओ। ठीक है, और इसमें 3 चैप्टर हैं। क्वाड्रेटिक है, वर्ग समीकरण, सीक्वेंस सीरीज मतलब अनुक्रम एवं श्रेणियाँ, और तीसरा है डिटर्मिनेंट मैट्राइसिस मतलब सारणिक एवं आव्यूह। तो आपको बड़ी आसानी से समझ में आएगा, इसलिए डिटर्मिनेंट मैट्राइसिस का पेज नंबर 14 खोलो, 14 14, जहां पर डिटर्मिनेंट मैट्राइसिस के क्वेश्चन खत्म हो रहे हैं। यस, तो ये पेज खुला आपने, है ना? मेरी बात बड़े गौर से देखना। मैट्रिक्स पर एक क्वेश्चन आया 2016 में, और उसके ठीक ऊपर एक क्वेश्चन आया फिर 16 में, यानी एक डिटर्मिनेंट एक मैट्राइसिस। फिर ऊपर देखिए 2015 में एक मैट्रिक्स और फिर एक। अब बड़े गौर से आप क्वेश्चन नंबर 31 और 33 को पढ़ो। जो लोग कल मेरी क्लास में थे वो नहीं पढ़ेंगे, वो शीट बी करेंगे। जो आज पहली बार बैठे हैं वो शीट 1 मिली दोस्त, आखिरी वाले भैया। तो आप कल थे क्या मेरी क्लास में? हाँ, तो आप शीट बी करो। जो लोग आज पहली बार बैठे हैं, मतलब कल नहीं थे और आज हैं, वो शीट 1 पेज नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 33 और 31 पढ़ो। मुझे बताओ, दोनों में नॉन ट्रिवियल पूछा है आपसे, यानी सेम कंसेप्ट रिपीट हुआ। कल जब मैं पढ़ा रहा था तो पूरे टाइम मैंने ये एक्सप्लेन करने में ही लगा दिया कि पुराने पेपर आप सॉल्व कर लो 2001 से 17 तक के, और ऑनलाइन पेपर भी हर साल हुए हैं 2013 के बाद, तो 13 14 15 और 16 के ऑनलाइन पेपर भी सॉल्व कर लो। हर साल एवरेज 3 पेपर हुए हैं, तो आपके पास कितने सारे पेपर हो गए? 16 प्लस 4 और 4 और 2 और 2 6 12, 16 और 12 28 क्वेश्चन पेपर्स हो गए आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के। अब जितना कंसेप्ट उनको पूछना था ना वो पूछ चुके, अब नया कुछ नहीं पूछेंगे। इसी पर आधारित प्रश्न पत्र बनेगा, क्वेश्चन पेपर बनेगा। तो ये जो गिनती के 6 7 दिन बचे हैं ना, इसमें मेरा प्लान कहो चाहे षड्यंत्र कहो, ये है कि हम पुराने सारे पेपर एक नज़र में पूरे सॉल्व कर लें। जो हमें नहीं आता मेथड, उसके आसपास का पूरा नॉलेज बढ़ा लें। सिर्फ उस क्वेश्चन को सॉल्व करना ना सीखें, उसके आसपास की पूरी थ्योरी सीख लें। आप देखना, जिन्होंने साल भर पढ़ाई नहीं करी ना, उनका भी सिलेक्शन हो जाएगा यदि मेरा प्लान पे काम करेंगे तो। और जिनकी अच्छी तैयारी है वो तो हो सकता है कि फुल फुल ले आए और बहुत जल्दी पेपर सॉल्व कर लें, मतलब समय बचेगा उनको, स्पीड बढ़ जाएगी। तो जिन बच्चों के, मैं ये तो दे रहा हूँ आपको, ये 2001 से लेकर 16 तक के पूरे क्वेश्चन पेपर दे रहा हूँ, मगर ऑनलाइन जो परीक्षाएं हुई है यदि उसके क्वेश्चन पेपर भी आपको चाहिए तो आप हमको पेन ड्राइव देना, खड़े खड़े वहीं सामने के सामने पूरे क्वेश्चन पेपर विथ आंसर सॉल्यूशन आप हमसे पेन ड्राइव में ले लेना। पीडीएफ फाइल हम दे देंगे, घर पे सॉल्व कर लेना। वो पीडीएफ फाइल लगभग 35 MB की है, तो पूरी की पूरी हम ईमेल नहीं कर सकते, तो हमने 2 टुकड़ों में उसको तोड़ दिए, 18 MB 18 MB। तो जिन बच्चों के पास पेन ड्राइव नहीं है मगर ईमेल एड्रेस है, तो वो बाहर खड़े होकर
एक रजिस्टर रख देंगे हम, उसमें कैपिटल अक्षर में अपना ईमेल एड्रेस लिखना। कर्सिव राइटिंग में कभी कभी समझ में नहीं आता, तो हम उनको आज के आज सबको ईमेल कर देंगे, वो भी सॉल्व करो ये भी सॉल्व करो, ठीक। तो ये सेट वन हमने कल पढ़ा दिया। जो लोग आज पहली बार बैठे उनको मेरी सलाह है कि आज अपनी क्लास 1:30 बजे जब छूटेगी, तो छूटने के बाद आप लोग घर मत भग जाना, कुछ नाश्ता वगैरह कर लेना और यहीं हमारी वीडियो लैब में रुक कर कल का वीडियो देख लेना, क्योंकि मैं अभी भी पढ़ा रहा हूं तो कैमरे से रिकॉर्डिंग हो रही है ऐसा। तो शीट वन सभी के पास है जो कल नहीं थे, है ना। शीट टू ये रखी, शीट वन और शीट टू, और अपने बैग इधर बाहर रख दो नीचे। हाँ यहाँ रखो ना, उसमें क्या मोह माया है। हाँ रखो इधर, ये गली में रखो नीचे। अरे ओ हेलो हाय, महिलाएं पर्स संभालती है, उसमें लिपस्टिक होती उनकी, तुम क्यों संभाल रहे हो। हाँ रखो नीचे, रख दो नीचे और आराम से टेंशन फ्री होके बैठो। बी आई बचाइए, सर को बचा, अंदर एकदम अंदर चले जाओ। ये शीट वन शीट टू मिली, शीट वन पे शीट वन लिख लो, वो हम कल लिखना भूल गए थे, ठीक है। अच्छा सीट बी एक मिनट हाथ में उठाओ, आपको पूरा प्लान समझा दूं कि मेरे दिमाग में क्या है। सभी बच्चे सेट बी की शीट उठाओ, ये बैग ऊपर फेंक दो, एक नजर आप देख लो, आपको समझ में आ जाएगा मेरा प्लान। सेट ए में पिछली क्लास में मैं ये तीन टॉपिक पढ़ा चुका हूं। अच्छा खास चीज, मेरा ये बैच 1 दिसंबर से चल रहा है, 38 लेक्चर है आज मेरा। तो पहले मैं पढ़ा रहा था एडवांस लेवल के लिए, कल से मैंने मेल्स लेवल पढ़ाना शुरू किया, ठीक। तो मेन लेवल का प्लान यहां लिखा है, एक नजर अपनी फेर लो उस पर, कि आप हो सके तो थोड़ा थोड़ा घर से पढ़कर आया करो। सेट बी का पहला पेज देखो, सेट बी कहाँ है, ये है ना पहला पेज, ये हो, इसको पहला पेज कहते हैं। वो पन्ना पलट के अंदर देख रहे हैं, ये पहले पेज पे पढ़ो, कौन सी तारीख को मैं क्या पढ़ाऊंगा। अच्छा सीबीएसई वाला कोई बैठा है क्या, अच्छा वो तो एग्जाम दे रहा होगा, है ना। यहां पर आईसीएसई वाले बैठे हैं और एमपी बोर्ड वाले बैठे हैं। एक नजर सारी तारीखों पे डाल दो, किस तारीख को क्या होगा। और जानबूझ के मैंने 12th के टॉपिक पीछे रखे हैं, क्यों, क्योंकि वो तुम्हें आते हैं, जल्दी से क्या रिकॉल करवाना है 11th क्लास। अरे ये गलत लिखा है भाई, सुधार दो। सेट जी में डिफरेंशिएशन काट दो, ये टाइपिस्ट कुछ भी करते हैं। सेट जी में क्यों डिफरेंशिएशन पढ़ाऊंगा, सेट ई में लिखो उसको, फंक्शन के बगल में कोमा लगा के। अच्छा ये देखो मॉक टेस्ट लिखा है, 28 तारीख को होगा, ये लिखा, डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, उसके बाद 1 बजे आपकी छुट्टी नहीं होगी, आप हमारे ही बिल्डिंग में हाथ मुंह धो लेना, नाश्ता कर लेना, ज़्यादा हैवी पूड़ी पराठे मत खाना, नींद आती है उससे, और चाय पीनी हो तो चाय पी आना नीचे, और यहीं पर मॉक टेस्ट देना। टेस्ट कैसे देना चाहिए एग्जाम हॉल की टाइम मैनेजमेंट भी सिखा दूंगा आपको, ठीक है। 2 तारीख को ऑफलाइन पेपर है, तो 1 तारीख को मैं छुट्टी रखूंगा। आप लोग भी घर में पढ़ाई नहीं करेंगे, पूरे दिन सोएंगे, आराम करेंगे और प्रकृति के नज़दीक रहेंगे, फ्रेश एयर, जहाँ हरे पेड़ पौधे हों ज़्यादा वहाँ, जिससे कि ऑक्सीजन लेवल आपके शरीर में बढ़ जाए, और 2 तारीख को सुकून से पेपर देंगे। कितने बच्चों ने 2 तारीख को ओनली बी टेक भरा है, यानी 9 से 12, उसके बाद वो फ्री है। तो आप लोग अपने अपने एग्ज़ाम सेंटर से सीधे मेरे पास आना, यहाँ नाश्ता मैं करवाऊँगा,
मेरा रिकॉर्ड है 2007 से 8 से हर साल आईआईटी का पेपर सेम डे 45 मिनट में सॉल्व करके मेरी वेबसाइट पे अपलोड करता हूँ। तो आप लोग यदि आ चुके होगे तो मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा? तुमने तो 3 घंटे पेपर को खाया है, तो तुम्हें मालूम है कि इस क्वेश्चन का सर ये सॉल्यूशन है, लो जल्दी लो फटाफट फटाफट मैं चेक करूँगा, यस सही है, करो आगे बढ़ाओ। वो टाइपिंग टाइप करेगा और पीडीएफ चढ़ जाएगी वेबसाइट पर, फेसबुक पे, सब जगह। इसलिए मैं आपको सीधा यहाँ बुला रहा हूँ। और 3 अप्रैल से फिर से पढ़ाई शुरू, सभी को आना है। क्यों आना है? 20 मई तक पढ़ेंगे एडवांस के लिए। अब तुम सोचोगे ना, अरे यार पहले रिजल्ट तो आ जान दो, हम पास भी हो रहे हैं कि नहीं, उतने दिन घर में आराम करो, आईपीएल देखो। तो खुदा कहेगा कि तथास्तु, तू आईपीएल ही देख ले अच्छे से, तो अपन पढ़ने आ जाएंगे 3 अप्रैल को। 3 अप्रैल को भी मैं मेंस लेवल ही पढ़ाऊंगा। क्यों? 8 तारीख और 9 तारीख के ऑनलाइन के बच्चों के लिए। मगर फिर भी आपको प्रेजेंट रहना है, क्योंकि एडवांस का पेपर का 10% हिस्सा सरल होता है, तो मेन लेवल का होगा, इसलिए सभी उपस्थित रहेंगे। 3 तारीख से दोबारा पढ़ाई शुरू। तो ये पढ़ाई ऐसी ऐसी लो लेवल की चलती रहेगी 7 तारीख तक, 8 को छुट्टी, 9 को छुट्टी, 10 तारीख को फिर से मेहनत चालू, मगर 4 घंटे की जगह 3 घंटा, और टाइम 8 से 11, यस। और अपन पढ़ेंगे 20 मई तक, और उस समय मैं आपको ये प्रिंटेड पुराने क्वेश्चन नहीं दूंगा, मेरी इस तरह से शीट रहेगी हैंड रिटन, सारे क्वेश्चन नए, कोई रिपीटेशन नहीं, क्योंकि आईआईटी सिर्फ 20% रिपीट करती है, बाकी 80% हर साल नया ही होता है। तो ये शीट मैंने अभी नहीं बांटी, नहीं तो आप लोग डर जाओगे, क्योंकि कल तो ये भी नहीं बन रही थी बच्चों से, ठीक। चलिए मेरा प्लान समझिए। अभी आपके पास कौन कौन से टॉपिक हैं? टी एफ ई, और क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल कहाँ है? अच्छा दूसरे पेज पर है, पी ओ टी आई टी एफ। अरे सीक्वेंस सीरीज कहाँ से आ गया? नहीं नहीं वो हेडिंग गलत है ना, नीचे तो ट्रिग्नोमेट्री दिख रही है, आपको आ रहा पेज नंबर 6 देखो, है ना, तो वो काट दो सीक्वेंस सीरीज, ट्रिग्नो लिख दो उधर। ये हड़बड़ी में शीट बनती है ना, तो ऐसा ही होता है, ठीक है। चलो सुनो बच्चा, हम शीट रिवर्स स्टार्ट करेंगे। तो टी एफ ई का आप लोग क्वेश्चन नंबर 16 अभी करिए, पेज नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 16। और सभी बच्चे ये ऊपर की एक लाइन हेडिंग जरूर डालना, कभी आप एब्सेंट हो गए तो दोस्त से मांग सकते हो इसलिए, या वीडियो में रिकवरी कर सकते हो इसलिए, ठीक है। जो मैं बोल रहा हूं वो क्वेश्चन करिए आप, सभी लोग कोशिश कीजिए। मैंने कहा दीदी हेडिंग डालो, और उसके बाद चैप्टर का नाम लिखो, टीएफई क्वेश्चन नंबर 16। सिर्फ 16 का क्या मतलब, कितने लोगों से बन गया? ये आप लोग बच्चा अंदर सरको, ये इधर गैप है तो इस तरफ सरको, जो 3 या 4 बच्चे बैठे हैं वो दीवार की तरफ सरको। अरे बात ना करो दादा, एक बात बताइए, कॉस सी प्लस कॉस डी का फार्मूला क्या होता है? 10वीं से 11वीं जब बच्चा जाता है तो मैंने उसे अंग्रेज और इंडियन की कहानी सुना के सिखाया था। तो ये अंग्रेज, अंग्रेज की पार्टी है, तो अंग्रेज जब पार्टी देते हैं तो सिर्फ अंग्रेज को बुलाएंगे, इंडियन को बुलाते थे क्या 1947 के पहले? याद करो, तो अंग्रेज की पार्टी में सिर्फ अंग्रेज ही अंग्रेज, जबकि साइन की पार्टी मतलब इंडियन पार्टी दे रहा है तो वो तो सबको बुलाता, उससे बड़ा बेवकूफ नहीं है इस विश्व में। अरे हाँ हाँ
तो सिंपल सी बात है, दोनों ही कॉस है, तो कोई एक प्लस और कोई एक क्या, जबकि साइन की पार्टी होती तो एक साइन एक कॉस, और जो चिन्ह बीच में होता वो साइन को मिलता। चेहरे से हाथ हटाओ, रीढ़ की हड्डी सीधी रख के बैठो, तो सी और डी बाई टू, सी और डी बाई टू। कितने लोगों के दिमाग में ये सही फार्मूला बैठा हुआ था, झूठे हाथ मत उठाना। अब बताओ आप, कहानियां इंपॉर्टेंट होती है और मैं कहानियों से पढ़ाता हूं, तो सुनिए बच्चा। अच्छा एक खास चीज, कॉस माइनस थीटा क्या होता है? ना ना ना, कॉस माइनस खा जाता है। इसमें भी कहानी सुनाई थी, ससे साइन ससे शरीफ, कसे कॉस कसे कुत्ता। तो शरीफ इंसान क्या नॉनवेज नहीं खा सकता? खा सकता है, अटल बिहारी वाजपेयी है, अब्दुल कलाम है, अच्छे लोग हैं, नॉनवेज लेते ही हैं, तो इनके मुंह में खाते खाते हड्डी आ जाए तो थूकेंगे ना। तो स से साइन के मुंह में हड्डी आ गई, थूकी उसने बाहर, अब कॉस के मुंह में हड्डी आ जा, खा जाएगा ना, खा गया। आप लोड मत लो, मगर आपको ये अभी बहुत हल्की फुल्की कहानी लगेगी, क्योंकि आप 12वीं तक पहुंच गए हो। 10वीं पास करके कोई 11वीं में जा रहा है तो उसके लिए सोचो ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। आप लोग तो सॉल्व कर करके रट रट के दिमाग में बैठ चुका है, तो अब इतनी इंपॉर्टेंट नहीं लग रही आपको। चलिए, तो मैंने इसको सी और इसको डी माना, बड़ा माइनस छोटा पॉजिटिव हो जाएगा, फिर इसको सी और इसको डी। तो देखिए बड़े गौर से, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू, तो 3x बाई टू, और कॉस सी माइनस कॉस डी बाई टू। फिर बोलो बच्चा, फिर बोलो, टू कॉस 7x बाई टू कॉस, तो कॉस x बाई टू, कॉस x बाई टू कॉमन, तो टू कॉस x बाई टू, अंदर क्या बचा, कॉस 7x बाई टू कॉस 3x बाई टू। अरे हाँ जी, तो ये टू और ये टू नहीं होंगे, जागते रहो भाई। अरे मैं जगाऊं तो, सो रहे हो ना तुम लोग अभी। ये और ये टू नहीं कटेगा, हा वही तो तुम हर कहीं हर कुछ काटो। कॉस सी प्लस कॉस डी, ये 3.5 है और ये डेढ़ है, तो टू, इसका भी टू, फिर ये वाला, और अब ये वाले लोग, तो कॉस 3.5 और डेढ़ 5x बाई टू, 3.5 माइनस डेढ़, 3.5 माइनस डेढ़ 2x बचा ना, और 2 से डिवाइड हुआ तो क्या हो गया भैया, ये 4 को तो हटा दो क्योंकि सामने 0 है, डिवाइड में भेज दिया, चेहरे से हाथ हटाओ। 1, 2 और 3 चीजों का प्रोडक्ट 0 है, 3.5 और डेढ़ अपॉन 2, आती है थोड़ी थोड़ी मैथ आती मेरे को, ठीक है दादा। इन तीन चीजों का प्रोडक्ट 0 हो रहा है तो हम क्या कहेंगे, अब ये सब लिखने की जरूरत नहीं है ना, ये तो मैंने आपको प्रिंटेड दे दिया, और मेरी कुछ बातों पे यकीन करना और उस हिसाब से काम करना। यहां लिखा है मैंने, ये लिखा है, आज से रोज रात को 9 बजे सो जाना है, बिल्कुल नहीं जगना उसके बाद, कमरे में धूप अंधेरा करके सो जाना है, नींद नहीं आए करवटे बदलते रहना, मगर ना मोबाइल से खेलना ना कुछ करना, आएगी नींद, और सुबह एटमोस्ट 5:30 बजे उठ जाना है। उसका फायदा आपको एग्जाम हॉल में दिखेगा, एक्चुअली आपका दिमाग जागने लगेगा जल्दी, शरीर के जागने से फर्क नहीं पड़ता, एग्जाम हॉल में आंसर भी तो आना चाहिए, पूरा खेल दिमाग का है। और कल मैं जलवे दिखा रहा था, बच्चे का नाम तिग्गी, बच्चों की संख्या 1, आंसर टिक होना है 2, इतना कंफ्यूज करती है JEE, मतलब आप हल्के में मत लेना उसको, कंफ्यूज करती है, दिमाग सो रहा है तो तुम गलत टिक कर दोगे, आंसर सही आया है फिर भी टिक गलत करोगे, ऐसा कंफ्यूजन है, क्योंकि ऑप्शन ABCD नहीं है, ऑप्शन 1 2 3 4 है। तो सुनिए, कॉस
एक्स बाई टू बराबर जीरो, कॉस फाइव एक्स अपॉन टू बराबर जीरो, कॉस एक्स बराबर जीरो। तो एक्स बाई टू इज इक्वल टू ऑड पाई बाई टू, ऑड इंटू पाई बाई टू। फाइव एक्स बाई टू इज इक्वल टू ऑड इंटू पाई बाई टू, और एक्स इज इक्वल टू ऑड इंटू पाई बाई टू। तो ये टू सामने चला जाएगा तो कट गया, तो x इज इक्वल टू ऑड इंटू पाई, ये टू से टू कट गया, x डिवाइड में गया, कट गया ऑड पाई अपॉन क्या, और ये तो क्या है। अब सुनो, इस प्रकार के कितनी संख्याएं जीरो से टू पाई के बीच में है, आप लिस्ट बनाओ और उनकी संख्या टिक कर दो। ये क्वेश्चन लेंदी था, इसमें शॉर्ट ट्रिक नहीं लग पाई, कोई टेंशन नहीं। कितने लोगों ने सही दिशा में इसको सॉल्व किया और कम से कम वहां तक पहुंच गए? एक मिनट, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। एक, दो, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह बच्चों से बना, जबकि इस कमरे में लगभग अभी 80 बैठे हैं। हिलो मत आराम से बैठे बैठे, रीढ़ की हड्डी सीधी रखो, थोड़ा एक्टिव मोड में बैठो। अभी भी कुछ लोग सो रहे हैं। एग्जाम कितने बजे शुरू हो जाता? देखो 10 बज रही, एक घंटे, मतलब वहां पर भी तुम आराम से यूं बैठे मैडम को देख रहे हो। हाँ, अरे एक्टिव रहो ना, पेपर जल्दी जल्दी सॉल्व करो, मेरा ये लिखो जल्दी, इसको नोट करो, फिर अगला क्वेश्चन करना है। अगला सुनो कौन सा करना है, अगला सुनो कौन सा करना है, अगला प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेंगल का करना है, नीचे से पहला, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेंगल का चौदवा करना है। रुको, पहले इसको लिखेंगे, दोनों शीट उठा लो, शीट वन शीट टू, नहीं यही है बस बस, पहले इसको लिखेंगे जिनसे नहीं बना, उसके बाद एक क्वेश्चन इस चैप्टर का, एक क्वेश्चन इस चैप्टर का, एक क्वेश्चन इस चैप्टर का, ऐसे साइकिल चलाएंगे अपन, और वो भी साइकिल नीचे से चलेगी। और सुनो, जैसे अपन ने ये क्वेश्चन कर लिया ना सोलवा, क्वेश्चन के पास में टिक लगा दो, हो गया। आंसर पे टिक मत लगाना, मेरी शीट खराब मत करो, यहाँ 16 पे टिक लगाओ कि भैया ये क्वेश्चन हो गया, अब हम वापस साइकिल चलेंगे तो 15 करना है। मेरा ये इच्छा है कि आपको 2 तारीख के पहले फुल सिलेबस एक बार आपकी आंखों के सामने से गुजार दूं, और घर पे आप मेहनती होगे तो और प्रैक्टिस कर लोगे, ऐसा मेरा प्लान है। छापने की जगह थोड़ा समझ के लिखो। और प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेंगल चैप्टर रटने वाला चैप्टर है। अरे मैंने इस साल ये नई रेड बुक छपवाई है, और कई अलग अलग स्कूल में स्कूल के अंदर जाके बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करी है, मगर ये अभी ख़त्म हो गई है मेरे पास। तो आप लोगों में से कईयों के पास ये होगी, घर पे रखी होगी, तो आप कल से लाना शुरू कर देना यहाँ पर। तो ये अब ख़त्म हो चुकी है, तो ये पुरानी रद्दी मैंने पुराने बच्चों से मंगवाई कि भैया प्लीज़ वापस करो लाकर, अब आपके काम की नहीं है, आप तो IIT पहुंच गए। तो इसमें और इसमें फार्मूले सेम है, साइज़ छोटा बड़ा है। तो जिन बच्चों के पास कोई सी भी रेड बुक नहीं है घर पे, वो अभी हाथ उठाओ तो मैं ये दे दूं, ऐसा बेमतलब में रद्दी इकट्ठी मत करना। हाँ वही है, वही। हाँ थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बहुत अच्छे बच्चे हो तुम। इनने कल ली थी मगर इनके घर पे मिल गई तो इन्होंने वापस करी, इसे ईमानदारी कहते हैं। अच्छा, इन रेड बुक पर अपना नाम लिख लो 2-3 जगह, नहीं तो पड़ोसी बैग में डाल लेगा। अपना नाम भी लिखो और आज मिली इसलिए डेट डालो। ये पुरानी है, इसमें गलत गलत फ़ोन नंबर लिखे, धमाधम करो और मेरे पैटर्न से करो। तुम सेल्फ करोगे तो आगे से चलोगे, एक इसका एक इसका एक इसका, एक ही चैप्टर के तीनों नहीं। जिन बच्चों से प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेंगल का 14वां क्वेश्चन भी हो गया है, वो सेल्फ प्रैक्टिस के लिए सीधे चलेंगे,
मतलब क्वेश्चन वन करेंगे किसका, फर्स्ट चैप्टर का। उसको करने के बाद प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल का फर्स्ट करेंगे, सेल्फ प्रैक्टिस वाले, और आईटीएफ का फर्स्ट करेंगे। मतलब आप लोग ऊपर से सीधे चलोगे मगर एक एक चैप्टर। क्यों ऐसा क्यों करवा रहा हूं, सुनो मेरी बात सुनो, मैं आप लोगों से बार बार चैप्टर चेंज क्यों करवा रहा हूं। एग्जाम हॉल में सेम चैप्टर के भी दो चिपके क्वेश्चन होंगे क्या? होंगे तो भी दूर बैठे होंगे। इसका मतलब बार बार आपका माइंड चेंज करेंगे वो लोग, कभी कॉम्प्लेक्स नंबर पूछेंगे तो कभी लॉगरिथम पूछेंगे तो कभी ट्रायंगल पूछेंगे। तो अभी आप यहां बैठे बैठे भी बार बार खुद को चेंज करो। मैं सॉल्व करवाऊंगा नीचे से उल्टा एक एक एक, आप लोग सेल्फ प्रैक्टिस में ऊपर से चलो एक एक एक, जो मुझसे आगे चल रहे हैं मेरे हिसाब से काम करो। और मैं अभी नए हैंड रिटन क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवाऊं ना तो दिक्कत हो जाएगी, भंडार है मेरे पास, उसमें से क्या कराऊं क्या ना कराऊं। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल का नीचे से आखिरी मेरे ऑर्डर पे करो, और जिनसे हो चुका है वो शुरू से करो। अरे इधर आ जाओ, तुम सब छोड़ दो वहीं आ जाओ। हाँ वो रखी दोनों शीट, एक एक उठा लो, तुम्हारे ठीक पीछे जो उठा ली वो मत उठाओ डबल, ठीक है? और वीडियो लैब में आए हो कि पढ़ने आए हो मेरी क्लास में? हाँ तो बैठो फिर कहीं, या वीडियो लैब में बैठो, नमन के पास में बैठो, अंदर सर को बच्चा। मैंने तुम लोगों से कितनी बार बोला, जो दो या तीन चार बैठे हैं वो अंदर की तरफ सर को बैग बाहर फेंको। हाँ लो जगह हो गई, सर को सब अंदर, सर को ये कॉर्नर खाली रखो, बैग बैग बाहर फेंको, बैग हाँ वहीं रख दो, वहीं नीचे। हाँ बस हो गया, ध्रुव फेंक उधर। अरे क्यों नहीं छूट रहे भाई, मोह माया, वहां रख। हाँ वहां रख दो, ऊपर रख दो, जहां जगह मिले वहां रख दो, अपने पास में मत रखो उससे गर्मी होती। हिंदी में बोल दूं क्वेश्चन, ओके। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन, अबे ये तो कक्षा दसवीं का क्वेश्चन है। तीन संरेखीय बिंदु ए बी सी का उन्नयन कोण किसी टावर के शीर्ष से 30, 45 और 60 हैं, और टावर और ये तीन बिंदु एक ही रेखा में, तो अनुपात बताइए ए बी अपान बी सी। करो करो कलम चलाओ, मैं फोटो बना दूंगा तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, इसलिए आप खुद ही फोटो बनाओ खुद ही सॉल्व करो। ये अंदर सर को नमन वाली लाइन वाले, अंदर सर का उनको, अंदर सर को तुम, हाँ हाँ। अच्छा एक काम करो, मेरी बात सुनो, होमवर्क लिखो, जो आपकी कॉपी है ना उसमें ऊपर सफेद पट्टी है, उसमें मैं आपको होमवर्क दूंगा, हर क्वेश्चन को पढ़कर कुछ होमवर्क दूंगा, तो ऊपर की सफेद पट्टी कोरी रखना, कुछ ना कुछ मैं इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा। तो होमवर्क ये लिखो कि ये हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर मेरी वीडियो लैब में कक्षा दसवीं का पढ़ना है आपको, कहेगा क्लास टेंथ का। तुम कहोगे यार हम इतने गए गुजरे हैं क्या, तो ऐसी बात नहीं है, दरअसल ये टॉपिक है देखो आपके सिलेबस में, और पिछले दो तीन साल से मैं क्वेश्चन देख रहा हूं, हाइट एंड डिस्टेंस का एक होता है, और मैंने केक सुपाड़ी कंसेप्ट की खोज करी है। हाँ केक और सुपाड़ी, जब मैं खुद कक्षा दसवीं में था ना तब कर चुका हूं, तो आप 20-25 मिनट लगेंगे उस कंसेप्ट को समझ लोगे, तो जादू ये हो जाएगा कि तुम क्वेश्चन देखोगे और आंसर लिखोगे, बाकी कोई मेहनत नहीं, सीधा आंसर लिखोगे क्वेश्चन देखकर। और अभी मैं आपके सामने एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा, और जिन बच्चों ने मुझसे टेंथ पढ़ा है वो उसी स्टाइल से करेंगे, आंखों आंखों में सीधा आंसर। मैं टेंथ फ्री पढ़ाता हूँ पूरे साल भर, पैसे ही नहीं लेता, पूरे साल भर फ्री पढ़ाता हूँ, संडे टू संडे 9 बजे से 1 बजे तक, 4 घंटा। तो दूसरी कोचिंग वाले क्या करते हैं, एक एक घंटा पढ़ाते हैं 3 दिन, मैथ्स कितने घंटे हुए, 3। मैं तो एक ही संडे में 4 घंटे पढ़ा रहा हूँ, बराबर कर दिया हिसाब अपन ने। दीदी सॉल्यूशन नहीं देखेंगे, दीदी सॉल्यूशन मैं जब बोलूँगा तो ही देखना, जब मतलब अपन घुटने टेक देंगे क्वेश्चन के सामने तो, और हमें महसूस होना चाहिए कि हमारी बेइज्जती कर दी इस क्वेश्चन ने, तो सॉल्यूशन देखेंगे।
नहीं तो हम लड़ेंगे और जूझेंगे। और अपनी अपनी शीट पे भी अपना नाम लिखो, आज की डेट डाल दो। देखो बच्चा, सुनो, ये 45 डिग्री है भाई। क्यों है 45 डिग्री भाई? ये और ये बराबर है। तुम लोग फिगर भी गलत बनाते हो। ये कितना होगा? 60, क्योंकि मुंह खुल गया, केक खा रहे हैं अपन। ये कितना है? 30। अब इसमें मुझे थोड़ा समझना पड़ेगा कि एबीसी कहां है। एबीसी ये है क्या कि ये है? सही बनाया। एबी अपॉन हमें बीसी बताना है। कितने लोगों से बन गया? बहुत सारों से बन गया। कितने लोगों का लगभग एक या दो स्टेप लिखी और आंखों आंखों में आंसर आ गया? सुनिए, बोर्ड पे देखिए, केक सुपारी कंसेप्ट देखिए। केक सुपारी कंसेप्ट सुन लीजिए। ये है लोअर जा, नीचे वाला जबड़ा, नीचे वाला जबड़ा, ठीक है। आपका बर्थडे था, मैं बिना पूछे आपके घर आ गया। अब आ गया तो केक तो खिलाओगे ना। केक के साइज आजकल कैसे होते हैं? बड़े बड़े। आपने केक ऑफर दिया और मैंने मुंह पूरा खोल दिया, आन दो। अरे हाँ ना। तो ये है ऊपर वाला जबड़ा और ये क्या है? तो एंगल कितना बना? अब यही नीचे वाला जबड़ा उतने ही साइज का है। तुम एक कोने में खड़े होके गुटखा खा रहे थे, मेरे मना करने से क्या खाना बंद कर दोगे? ना, ऐसा होता ही नहीं है। तो मैं क्या कहूंगा? अरे खा ला देना सुपारी। तो तुमने मुझे एक सुपारी का दाना दिया, उसको खाने के लिए मुंह कितना खोलूंगा? वापस 60 डिग्री खोलूंगा। कितना? 30 डिग्री। कितना? तो ये क्या हुआ? तो ये क्या है साहब? सिंपल सी बात, परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन। चेहरे से हाथ हटाओ, सीधे होके बैठो। हा, छोटे में रूट थ्री का मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलता है? फॉर परपेंडिकुलर एंड बेस, लंब तथा आधार के लिए। तो यदि ये एक्स है तो ये कितना हो जाएगा? और यदि इसकी वैल्यू क्या दी है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? और हाइपोटेनियस मतलब कर्ण होता है छोटू का डबल। क्या तो छोटू ये है कि ये है? तो इसका डबल, दुनिया इधर की उधर हो जाए, ये आंसर। कक्षा दसवीं में खुद इन्वेंट कर चुका हूं और किसी किताब में नहीं है ये बात। बोर्ड पे देखना भाई। अब मान लो कि यहां पर ये एक्स है तो ये क्या होगा? या ये किसी ने आपको वाई दिया है तो वो, और छोटू का डबल, एक बहुत बड़ा मैजिक जो आपने दसवीं पास कर ली, ग्यारहवीं पास कर ली, शायद आपके सामने ना आया हो। ओए चेहरे से हाथ हटा भाई। ये 60 डिग्री, ये कितना? थोड़ा सोचो। आपको एक क्वेश्चन आता था कि एक व्यक्ति यहां खड़ा है खंबे के ऊपर चढ़ के, बिजली ठीक कर रहा, एक कार में आईएसआई का आतंकी उसकी तरफ चला आ रहा फुल स्पीड में, तो वो यहां से यहां पहुंचा 5 मिनट में। तो अब यहां से यहां पहुंच के टकरा के उस आदमी को गिराने का मूड है तो और कितने मिनट लगेंगे? ये क्वेश्चन बहुत फेमस है। कितने लोग आंसर दे पाएंगे? सेम स्पीड पे चल रहा है तो सॉल्व करना पड़ेगा। अरे भैया सुनो, इधर देखो। मान लो कि ये डिस्टेंस है स्टार, कितनी है? बड़े गौर से सुनना बाबू, बोर्ड पे देखना बाबू, नजारे। ये कितना? 90 डिग्री है भाई। तो ये 90, ये 60, तो ये बोलो ना,
ये 30 है, ये 90 है, तो ये, अरे वाह यार कितनी इंपॉर्टेंट बात बता दी तुमने, अब ये 60 है, ये 30 है, तो ये, अरे गजब हो गया, एक ट्रेंगल में दो 30 है तो, मतलब दो एंगल सेम है तो, आइसोसेलेस सम द्विबाहु, तो ये स्टार, तो कौन स्टार, ये लेंथ स्टार, ये कहां आपको आज तक ये बात मालूम थी, कितने क्वेश्चन कर डाले दसवीं में, देखना बड़े गौर से। अब ये जो ट्रेंगल है बाबू वो रहा, तो ये रहा, तो हाइपोटेनियस क्या होता, छोटू का डबल, तो हाइपोटेनियस स्टार है तो छोटू, अरे गजब, उधर 5 मिनट लगे तो यहां, आप लोग को दरअसल पढ़ाने वाला सही नहीं मिला, उस चक्कर में या तो मैथ्स से नफरत हो गई या मैथ्स कमजोर हो गई। अब मैं घर आके थोड़ी बोलूंगा कि मैं अच्छा पढ़ाता हूं, वो आप लोग दोस्तों के चक्कर में जाते हो कि मेरा दोस्त या मेरी दोस्ती उधर चली गई तो मैं भी उधर ही जाऊंगा, अरे हाँ ना, अरे यस सही बोल रहे हो, उस चक्कर में आपकी वाट लग जाती। गर्ल्स स्कूल की एक मैडम ईदगाह हिल पे पढ़ाती है, तो अब उस गर्ल्स स्कूल की तो सारी गर्ल्स उधर ही पढ़ेंगी, तो बाकी आसपास के सारे स्कूल के लड़के भी उधर ही पढ़ते हैं, बहुत बढ़िया भीड़ है मैडम क्या, और फिर उनका मेंस भी नहीं निकलता और आईआईटी की जगह टीआईटी पहुंच जाते हैं। करिए इस मेरे कंसेप्ट को लिखिए, कहना केक सुपाड़ी कंसेप्ट इन्वेंटेड बाय ग्रेट मैथमेटिशियन। हाँ हाँ मैंने एक जगह पढ़ा था कि खुद को महान समझना कभी कभी अजीब सा लगता है, मगर ऐसी कोई अजीब सी बात नहीं है कि ये तुम्हें अजीब लगे। आप जब तक खुद को महान नहीं समझेंगे, आप महान काम करने का एक्शन कैसे लेंगे? भगवान ने आपको बनाया है यार, हम ऐसे कैसे छोटे हो सकते हैं? भगवान ने बनाया भैया, तो हम ऐसे कैसे छोटे हो सकते हैं? हम अलग अलग फील्ड के महान हैं। आपको अभी आपकी खुद की जानकारी नहीं है, मगर आप भी बड़ा काम कर सकते हो। आपको खुद महसूस होगा कभी कि मैं ये काम कर सकता हूं, तो करना आप। जैसे मेरे 10th में ये सब खोज कर ली तो मैं मैथ्स का टीचर बन गया, तो मैं कभी थकता नहीं हूं पढ़ाते पढ़ाते। और ये जो आपकी क्लास है ना, मैं बिना नाश्ता करे आता हूं, क्यों? क्योंकि नाश्ता करके आता हूं तो नींद आती है। अब 1 बजे तक ना नाश्ता ना खाना, उसके बाद तो मुझे सुख मिलता है पढ़ाने में। केक सुपाड़ी कंसेप्ट और ये हिंदी नाम, ये हिंदी नाम जरूर लिखना, भले ही आप कितने बड़े इंग्लिश मीडियम स्कूल के बच्चे हो। कितने बच्चे बड़े बड़े स्कूल के हैं इंग्लिश मीडियम के, हाथ उठाओ। कौन सा स्कूल? सेंट जेवियर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आंवले को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अरे बता दो भाई साहब, कौन से स्कूल से हो दीदी आप? विवेकानंद, पिथेम्बलिस एम्बलिका। चलो कोई बात नहीं, मैथ्स पे ध्यान दो। मैं इधर उधर का मजाक इसलिए करता हूं कि कुछ बच्चे अभी भी सो रहे होते हैं तो उनको जगाऊं। जल्दी केक सुपाड़ी कंसेप्ट सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखो, फिर ये न्यूमेरिकल लिखो, और थोड़ा फोटो बड़ा बड़ा बनाओ। कूलिंग सिस्टम लगवाऊं कि गर्मी सहन कर लोगे? ना, मैंने हटवा दिया, उसका कारण भी है कुछ। आपकी आईआईटी की परीक्षा कब होगी? 21 मई। गर्मी कैसी होगी? और उसमें तो सेकंड पेपर का टाइम 2 से 5, और कितनी गर्मी होगी। बादल गलती से भी नहीं दिखाई देगा आसमान पे, ठीक। और एग्जाम सेंटर सरकारी स्कूल, वहां पंखा भी चलेगा उसकी गारंटी नहीं, टेबल भी हिलेगा। तो कुछ कोचिंग है बड़ी बड़ी, वो सेंट्रलाइज एसी क्लासरूम में आपका साल भर टेस्ट सीरीज लेती है, और आपको असली परीक्षा कहाँ देनी है? तो बच्चा वैसे ही आता हुआ भी भूल जाता है। एक पेरेंट आए मेरे पास, कहते हैं यार तुम्हारे क्लासरूम में एसी नहीं है। मैंने उनके कंसेप्ट तुरंत क्लियर कर दिए। मैंने कहा देखो भाई साहब उखाड़े हैं, अब भी उखाड़े हैं थोड़े दिन पहले, क्योंकि मेरे दिमाग में ये बात आई। कौन सी? कि बच्चे को परीक्षा कहाँ देनी है गर्मी में, और मैं लगा के रखूँ ना तो बच्चे चुपचाप जाके MCB ऊपर कर आते थे, 15 मिनट में कमरा ठंडा हो जाता था।
इसलिए मैंने उखाड़ ही दिए, शॉर्ट ट्रिक। ठीक, अब मेरी बात सुनो बच्चा, अब ये कंसेप्ट हम सीख गए, अब आप इसमें देखो, लगाओ इसको। ए बी अपॉन बी सी चाहिए, क्या चाहिए? बड़े गौर से देखना भाई, सुनना भैया, मैंने इस हाइट को स्टार मान लिया, चेहरे से हाथ हटाओ, तो ये 30 डिग्री है। बड़े गौर से देखना, एक सेकंड में फूटेगा क्वेश्चन, ये 30 डिग्री है, तो मैं क्या खा रहा हूं, केक या सुपारी? 30 डिग्री है तो क्या खा रहा हूं, तो मेरा जबड़ा बड़ा कि छोटा? सुपारी खा रहा हूं, तो सुपारी के कंपैरिजन तो ये क्या? हाँ, आ रही मेरी भावनाएं समझ में? आ रही। अब ये स्टार है, ये 45 है, 45 में क्या होता है? परपेंडिकुलर इज इक्वल टू, तो ये कितना? अब 60 डिग्री, मैं क्या खा रहा हूं? केक, तो जबड़ा इससे कंपैरेटिवली, तो ये स्टार बाई रूट थ्री, सॉरी। तो ए बी लंबाई क्या होगी? दिस, तो स्टार रूट थ्री माइनस क्या? रूट थ्री स्टार मत बोला करो, कोई ये समझ लेगा तुम्हारी वाट लग जाएगी। और बी सी बोलो, बी सी स्टार माइनस क्या? तो पहली बात तो स्टार कॉमन होकर मर गया, फिर रूट थ्री माइनस वन अपॉन वन, जिसका कोई नहीं होता उसका एक होता है क्या? सबका मालिक एक, तो एक होता है। और ये हो गया रूट थ्री माइनस वन अपॉन, अब जिसको केक सुपारी कंसेप्ट नहीं मालूम वो क्या करेगा? ए बी सी डी नाम रखेगा, फिर कहेगा टेकिंग 1060 डिग्री इन ट्रिंगल। अरे वहां ये सब करने का, तुम्हें रफ पेज नहीं मिलेगा भैया, ये जो मैंने शीट बांटी है ना, उसमें नीचे छोटी सी पट्टी रहेगी कोरी, और आखिरी में एक पेज रहेगा, एक इधर एक इधर, तो क्या बार बार पीछे जाके लिखोगे क्या? ऑनलाइन बच्चों को फायदा है, जिन्होंने ऑनलाइन एग्जाम भरा है उनको अनलिमिटेड रफ पेज मिलते हैं, क्योंकि उनका एग्जाम सेंटर कौन सा बनता है? प्राइवेट कॉलेज। तो प्राइवेट कॉलेज वाले तो तुम्हें लाल ला के गर्म ठंडा पानी देंगे, एसी कमरे में बिठाएंगे, नाश्ता भी कराएंगे, क्यों? गलती से तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो तो हमारे यहाँ आना, देखो कितनी सुविधा है। मगर उनको बहुत बड़ा नुकसान है, ऑनलाइन वालों को, क्वेश्चन स्क्रीन पे लिखा है, तुम वहीं पर पेन थोड़ी चला सकते हो। ऑफलाइन वाला क्या करेगा? यहीं पे फार्मूला लगा देगा कॉस सी प्लस कॉस डी का, और वहीं चालू। तो अपने अपने फायदे अपने अपने नुकसान है। चलो आंसर देखना, सही है क्या अपना? सही हो गया, मुझसे सही हो गया, लिखो जल्दी। अच्छा, कितने लोगों ने मेरे से पहले किसी भी मेथड से सही आंसर लाए? एक मिनट हाथ उठाना, एक मिनट हाथ उठाना। सोचो आप, बाकी लोगों से दस भी नहीं बन रही, जल्दी करिए। और जिनसे ये पहले बन चुका है वो क्या करेंगे? वो टी एफ ई का फर्स्ट करेंगे, पी ओ टी का फर्स्ट करेंगे, आई टी एफ का फर्स्ट करेंगे, ऐसे क्रम से चलेंगे, फिर सेकंड 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 ऐसा। और जिन बच्चे अभी आकर बैठे, शीट नहीं मिली तो वहां से उठा लो, दो शीट रखी है, एक एक उठा लो। एक शीट वन है, एक शीट टू है, आज अपन टू कर रहे हैं। शीट वन पे शीट वन लिख दो, हम लिखना भूल चुके हैं। अरे इधर आ, इधर आओ, मैं, हाँ वो शीट वन शीट टू उठा लो, तुम अंदर सर को भैया, तुम अंदर सर को, कॉर्नर खाली रखो कि कोई आके बैठ सके। तुम जेवियर के हो तो ड्रॉपर हो कि ट्वेल्थ का ले हो? गुड, बातें नहीं करना भाई साहब। अब मेरे साथ जो करना है क्वेश्चन, उसमें आई टी एफ का सबसे आखिरी क्वेश्चन करना है। जो बच्चे लेट आए वो पड़ोसी से पूछ लो कि एक्चुअली पैटर्न क्या चल रहा है, और ये लोग जो लेट आए वो पढ़ लो। आप लोगों को रात को 9 बजे जरूर सो जाना है, मोबाइल स्विच ऑफ करके
और मोबाइल अपने पास में रख के मत सोना, रेडिएशन में दिमाग खराब हो जाएगा। इसका सेवन करिए आप लोग, ITF का सेवन। ITF क्वेश्चन नंबर सेवन, कितने लोगों से देखते ही बन गया, मतलब उनने कलम ही नहीं चलाई सीधा आंसर बोला। हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, हल्लिन दीदी हाथ उठाओ। क्या नाम? शुभम साहू, ध्रुव, शशांक, शुक्ला, नमन वर्मा, सूर्य निगम, प्रतीक है, श्रीवास्तव, आकाश भट्ट। गुजराती हो क्या? हाँ ब्राह्मण गुजराती, मध्य प्रदेश वाले। अच्छा नहीं, हम गुजराती हैं तो ढूंढते रहते हैं हर कहीं। सुनो दोस्तों भाई, देखो टेन टू थीटा का फार्मूला, ये सही लिखा है क्या? अच्छा टेन थ्री थीटा का बताओ। चलो हाँ दीदी बोलो, अपन से तो बनना चाहिए। हाँ आप सुहाग वाले हो भाई। थ्री टेन थीटा माइनस अपॉन, सही लिखा क्या? लेट टेन थीटा को क्या माना? तो थीटा तो टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर टेन, टू थीटा, टेन उठ के उधर चला गया तो टू थीटा, टेन इनवर्स, और थीटा की जगह पर क्या आ गया? तो तुम्हें जो लिख कर दिया है वो ये लिख कर दिया है, तो उसकी जगह पर ये आ गया। तो तुम्हें ऐसा लिख के दिया है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये है टू टेन इनवर्स एक्स, तो ये टेन इनवर्स एक्स, तो ये क्या हो गया? थ्री टेन इनवर्स एक्स। और यहां देखो टेन थ्री थीटा, बोलो। अब ये उठ के इधर आ गया तो थ्री थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स पूरी आइटम, और थीटा की जगह पे, तो ये रहा ना तुम्हारा क्वेश्चन, उसकी वैल्यू वो। मगर होल्ड, ये गलत हो जाता यदि उन्होंने ऐसा नहीं लिखा होता, यानी कि x माइनस वन बाई रूट थ्री से वन बाई रूट थ्री है तो ये सच है, और किस्मत से उन्होंने वही लिख के दिया है। तो सबसे पहले मेरी नज़र उसी पे गई कि कंडीशन क्या है। यदि कंडीशन ये नहीं होती तो इसमें प्लस पाई या माइनस पाई ऐसा कुछ होता। तो मैंने आपको ये रेड बुक दी है, आपको इसमें इसके आसपास का पूरा नॉलेज प्राप्त करना है। आपके पास ये बुक मान लो नहीं है, मेरे पास भी खत्म हो गई है, सिर्फ एक बची है। अभी कौन लेट आया हो, बांटू बुटू खत्म करूं है? कौन अभी लेट आया और जिसको रेड बुक नहीं मिली? तुमको तो मिली होगी, तुम बहुत दिनों से पढ़ रहे हो मेरे से। तो ये देखो नई वाली है, पुरानी वाली दे दो, सऊदी अरब रहने चले जाओ तुम। किसी के पास रेड बुक है ही नहीं, वो ईमानदारी से हाथ उठाओ। इकलौती एक है भाई, लो भैया वो लाल शर्ट वाली भैया को दे दो, बढ़ाओ हाथ उठा के रखो। कॉर्नर पे थे इसलिए तुम्हें मिली, बताओ। कोई बात नहीं, ऐसे कोई तनाव नहीं है। इसको छपने में भी टाइम लगेगा, 112 पेज है उसके अंदर, नहीं तो मैं अर्जेंटली छपा के भी बांट देता, ऐसी कोई बात नहीं है। अपनी उस पर नाम लिख लो भाई, नहीं तो कोई पड़ोसी बैग में डाल देगा। तो सुनिए, इस सफेद पट्टी पे होमवर्क लिखिए, इनवर्स के टू थीटा और थ्री थीटा के सारे फार्मूले पढ़ना है। अब आपके पास घर पे जो स्कूल बुक होना उससे पढ़ लेना। अब सुनो सुनो, मैंने क्या बोला, कलम चलाने की जरूरत नहीं थी। इसका मतलब क्या?
जिस बच्चे ने ये देखा 10 inverse 2x upon 1 minus x square, उसको तुरंत याद आया, अरे ये तो 2 tan inverse x है। कब? जब x इस इलाके में हो। चेहरे से हाथ हटाओ। इसका मतलब ये 2 apple और ये 1 apple कितने apple हो गए? 3 tan inverse x हो गया। 3 tan inverse x मतलब 10 3 theta, यानी कि ये जो फार्मूले चार ऑप्शन लिखे हैं उसमें ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस हमारा आंसर देख कर सॉल्व होने वाला था। इतने टुच्चे आते हैं JEE मेन के, इसलिए आराम से फुल मार्क्स आ सकते हैं किसी अच्छे बच्चे के, मेहनती के, तो कोई तनाव का मामला नहीं है। इस पे भी टिक लगा दो, 7 नंबर पे टिक लगाना, और जिन बच्चों से ये सब नहीं बना 7 वो ये सारी चीज़ें लिखना। ऐसा नहीं कि तुम टिक लगाओ और आगे बढ़ो, टिक लगाओ आगे बढ़ो, इसको लिखो। और जो लोग इसको सॉल्व कर चुके हैं वो तीनों का 1 1 1 सॉल्व करो, फिर तीनों का 2 2 2, फिर तीनों का 3 3 3, ऐसा करो। मैं ऑर्डर दूंगा तब अगला करना है मेरे हिसाब से। अभी सब लोग बोर्ड से इसको नोट डाउन करो, जिनसे नहीं बना था, तुमसे बना था नहीं बना था, तो मैंने क्या बोला, तीनों का 1 1 1, 2 2 2, 3 3 3 करो। फ्री मत बैठो भैया, बड़ा कीमती समय है इस समय। चेहरे से, माथे से, गले से हाथ हटाओ, दूसरा हाथ कॉपी के ऊपर रखो प्यार से। और आप लोगों को गर्मी हो रही हो तो बढ़िया सूती के कुर्ते पजामे पहन कर आया करो, है ना। पिछले साल एक स्टूडेंट था, बढ़िया जीन्स टी शर्ट पहने, ऊपर से जैकेट पहने, बताओ गर्मी के दिनों में जैकेट। मैंने कहा ऐसा क्यों? कहने लगे फैशन है। क्या बोलो अब ऐसे बच्चों से। चलो अब आप करिए TFE, TFE का नीचे से दूसरा, अपन सोलवा कर चुके हैं, जो जो कर चुके हैं उस पर टिक लगाते जाओ। जो बच्चे लेट आए नहीं कर पाए वो टिक मत लगाना, वो होमवर्क लिख देना उसके सामने। TFE का 15वां करना है। सफर सुबह शाम, नीचे से जो उल्टे चलने वाले क्वेश्चन हैं वो आप लोग सेल्फ प्रैक्टिस में नहीं करेंगे, मैं बोलूंगा तभी करेंगे। उसका यह फायदा है कि तुमने कितने मिनट में किया मुझे पता चले। तुम सेल्फ प्रैक्टिस में ऊपर से चलना, मैं नीचे से चलवाऊंगा। कितने बच्चों से क्वेश्चन नंबर 15 बिना कलम चलाए आंखों आंखों में आंसर आ गया? ओनली 3 मेरे ओल्ड स्टूडेंट, 4 स्टूडेंट हरलीन, शशांक, बिना कलम चलाए आंखों आंखों में आंसर, नमन, और भैया तुम्हारा नाम क्या? ऋषभ पंडुलिया, तुमसे नहीं बना। देखो मैं तुम्हें बताऊं, सभी लोग पेन छोड़ दो, और जिनसे बन गया वो भी घूर घूर के क्वेश्चन को देखो, मैं बोल रहा हूं, घूरो क्वेश्चन को घूरो। सुनो तो सही, ओ भैया आखिरी वाले कब बतियाने में लगे हो तुम? कह रहा हूं क्वेश्चन देखो तो बतिया रहे हो एकदम। एक्स की जगह ऑल रियल नंबर बोला है, ऑप्शन में कहीं भी एक्स दिख रहा है क्या? इसका मतलब आंसर डज नॉट डिपेंड ऑन एक्स, एक्स की जगह 0 रख दिया। अरे ऑप्शन में भी एक्स होता ना तो उधर भी जाके 0 रख देते, लोड मत लो। ऑप्शन में एक्स नहीं है तो हम तो और आजाद हो गए। अब एक्स की जगह 0 रखा, ओ हेलो हाई, देखो ना भैया कौन सा क्वेश्चन कर रहे हो, तो वही तो सिखा रहा हूं, तो तुम कलम चला रहे हो, गले से हाथ हटाओ। क्या रखा एक्स की जगह? 0, तो साइन 0, कुछ भी पावर लगाओ 0, कॉस 0, कुछ भी पावर लगाओ 0 plus 1, यानी तुम्हारा फंक्शन क्या हो गया? 1/k। अब उनने बोला कि f4 minus f6, यानी 1/4 minus 1/6,
अब देखो आप आंखों आंखों में, 1/4, 1/6, 6 इधर गया, 4 इधर गया, 6 में से 4 गए 2, नीचे 6 चौक 24, 2/24, आंसर 1/12। अब तुम मिलने झुलने आओगे मुझसे तो ही तो सिखाऊंगा, घर आके थोड़ी सिखाऊंगा। इतने टुच्चे आते हैं क्वेश्चन, क्या बार बार क्या बोल रहा हूँ। हाँ बच्चे मालूम इसमें भी नेगेटिव रिजल्ट लेकर आते हैं, माइनस में नंबर आते हैं कई बड़े लोगों के। लिखो इसको, इसमें तुम अपनी कॉपी में लिखो, इस क्वेश्चन में हम एक्स की जगह कुछ भी रख सकते हैं, ऐसा लिखो हिंदी में, और हिंदी में लिखो, शर्माओ मत, हम HUM इस IWS QUE MAIN KUCH BHI पुट कर सकते हैं। यदि ऑप्शन में भी एक्स की टर्म्स होती तो ऑप्शन में भी पुट कर देते, ऐसा पूरा लिखो। यदि ऑप्शन में भी एक्स होता तो हम उसमें भी पुट कर देते, सो पुटिंग एक्स बराबर 0। ठीक, नाउ नाउ एफ के क्या हो गया, ऐसा लिख दो। तो एफ 4 माइनस एफ 6 हो गया, 1/4 माइनस 1/6। एलसीएम लेना आता है कि सिखाऊं? ये 6 को सामने भेज दो, ये 4 को इधर भेज दो, नीचे दोनों का गुणा कर दो, तो 2/24 1/12। मालूम आप एकदम खुश और आनंदित रहो इन 6-7 दिनों में, फालतू चिरकुटियाई मत करो, मोबाइल पे इधर से चुटकुला आया, तुमने पढ़ा, खूब हंसे और तुमने 6 जगह चिपका दिया ना एकदम। मैंने अपने मोबाइल का इंटरनेट ही नहीं खोला बहुत दिनों से, जबकि मुझे आइडिया फ्री देता है, जियो नहीं आइडिया, बड़े लोग हैं हम, वो सस्ते वो भिखमंगों की लाइन में खड़े नहीं होते। हाँ चार्जेबल चीज लेते हैं, अच्छी लेते हैं, एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है, मैं भी जियो लेने गया था खरीद के भी लाया 2 हैंडसेट, और सुनो मेरा गुड लक, मेरे को नंबर ये मिला, अपने आप मिला, कोई जान पहचान नहीं, उसके आगे 3 नंबर बस अजीब से हैं, 687, आप लगाओगे तो फिलहाल मेरे मामा उठाते हैं, दो दो नंबर लेकर आया, एक 687 एक 587। मगर प्रॉब्लम एमपी नगर में मेरा पूरा दिन गुजरता है, एमपी नगर में जियो का नेटवर्क नहीं है, मतलब 1 Mbps भी नहीं आता, क्या करूं, 11,000 के 2 मोबाइल लाइफ के। मैंने जाके एक मामा को गिफ्ट किया, एक उनकी बेटी को गिफ्ट किया, और अपन आ गए आइडिया पे। कहने को क्या हो गया, हम बड़े लोग हैं क्या, आइडिया का स्पीड आता है 15 Mbps। एक्चुअली एमपी नगर में कुछ प्रॉब्लम है इसलिए जियो का नेटवर्क नहीं है, जबकि मेरे मामा के घर पे स्पीड आती है जियो की 30 Mbps, ओल्ड सिटी में रहते हैं वो। तो चलो मैं क्या कह रहा हूं, मेरा चार्जेबल है आइडिया, फिर भी वो फ्री देता है, फिर भी मैंने बंद रखा है, क्यों? अपन अखबार पढ़ते हैं, वीडियो गेम खेलते हैं, अपना टाइम किल होता है, अपना कुछ भी फायदा नहीं होता। तो आपको फ्री होना तो भी ये फालतू चीज़ें हटाओ जिंदगी से, आप अपना काम करो, घर में खूब जम के प्रैक्टिस करो, ऐसी शॉर्ट ट्रिक आपके दिमाग में आएगी यदि वो फालतू चुटकुले भरे नहीं होंगे। एक्चुअली तुम कहीं से चुटकुला सुनते हो और तुम किसी को ढूंढते हो कि अब मैं इसे सुनाऊं, उसकी जगह ध्यान इधर लगाओ, इसमें तुम्हारे क्रिएटिविटी आने दो। ये क्वेश्चन में तुम लोगों ने 0 क्यों नहीं रखा, इसलिए क्योंकि वह चुटकुले भरे हुए हैं, खाली होगा दिमाग तभी तो क्रिएटिविटी आएगी। चलो अब POT प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल का करना है नीचे से दूसरा, 13। बार बार अपने ऊपर लिखना क्वेश्चन पे, क्या POT का 13वां कर रहे हैं, नहीं तो सिर्फ 13 लिखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। ये देखो फिर से हाइट एंड डिस्टेंस, देखो आप 10वीं की हाइट एंड डिस्टेंस की मेरी वीडियो देख लेना, मजा आ जाएगा। हिंदी वालों के लिए हिंदी ट्रांसलेट कर देता हूँ, अ बर्ड इज सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ वर्टिकल पोल 20 meters हाई एंड इट्स एलिवेशन फ्रॉम ओ ऑन द ग्राउंड इज 45। और सुनो आपकी क्रिएटिविटी इतनी होनी चाहिए कि उन्होंने 45 बोला है तो ये और ये बराबर बनाओ। अब वो कुछ मूर्ख बच्चे ऐसे होते हैं, ये बनाया ये बनाया ये बनाया और हट जाओ 60 degrees, आंसर आ जाए तो भी उनको महसूस होगा कि मेरा गलत आ रहा है, मैं कुछ और टिक कर देता हूं। भाई 60 degrees मतलब कौन,
परपेंडिकुलर बड़ा, बेस छोटा, ये गलत है। ये क्या होना चाहिए सही में? इट फ्लाइज ऑफ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट अवे फ्रॉम पॉइंट ओ। ये उड़ी, उड़ी 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 उड़ी, अवे मतलब दूर गई ओ से, आफ्टर वन सेकेंड, वन सेकेंड द एंगल ऑफ हॉरिजॉन 30। अब एंगल हो चुका है साहब कितना, चिड़िया वन चिड़िया टू। स्पीड बताना भैया, मैंने केक सुपाड़ी कंसेप्ट सिखाया ना, उससे करके दिखाओ। अपना वो टेन थीटा मत लगाना, केक सुपाड़ी से करो। अच्छा, केक नहीं लगेगा, सुपाड़ी लगेगा और इक्वल लगेगा। केक सुपाड़ी सिर्फ 60-30 में लगता है। लगाओ केक सुपाड़ी, लगाओ, बन गया बताओ। आप ये देखो, सिखाएंगे तो क्यों नहीं बनेगा भाई। बन गया तुमसे, जिनसे बन गया फ्री नहीं बैठना। ऊपर से 111 222 333 करो ना। बाह्य त्रिज्या किसकी, एक्सटर्नल रेडियस, कौन सा क्वेश्चन, पीओटी का सेकंड, एक्स रेडियाई। ये है मालूम क्या, जब आप ट्रेंगल बनाते हो और उसकी एक्सटर्नल साइड्स को एक्सटेंड करते हो तो एक तीन सर्कल बनते हैं जो उनको बाहर से छूते हैं, उनकी रेडियस एक्स रेडियाई। बातें नहीं करना है, हेलो हाई, अपना अपना करो भाई। अरे सुनो, एक शॉर्ट ट्रिक सिखाऊं, बहुत बड़ी शॉर्ट ट्रिक, सुनो, इधर देखो, बड़े ध्यान से सुनो। 2 साल पुरानी घटना है, अनुराग गुप्ता वाले बैच की घटना है, विजन इन्फिनिटी सुना है नाम। सेम स्कूल के जो बच्चे होते हैं उनका रोल नंबर JEE में कभी आगे पीछे नहीं आता, उनको जुदा कर देती है JEE। मगर सेम कोचिंग का बच्चा है तो कैसे पता चलेगा JEE को, वो तो पता चल ही नहीं सकता। स्कूल के नाम और स्कूल के रोल नंबर से वो सेटिंग करती है कि सेम दोस्त एक साथ ना हो। तो विजन इन्फिनिटी का टॉपर जो लगातार टॉप 10 में रहता था वो, और एक उसी कोचिंग का नालायक बच्चा जिससे कुछ नहीं बनता। किस्मत से भाग्य, टॉपर जस्ट आगे और वो मूर्ख पीछे, मगर वो मूर्ख नहीं था, समझदार था। तुम परीक्षा देने जा रहे हो, तुम्हारे आगे किसी भी कोचिंग का टॉपर बैठा है, उसके माथे पर थोड़ी लिखा है, तुम्हें थोड़े पता चलेगा, तुम उसको हल्के में ले लोगे। उसको मालूम था कि ये टॉपर है, उसने क्या करा, अब दोस्त तो थे ही वो, उसने कहा भाई इतना करना, मैं तुझे बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करूंगा, एक बार भी डिस्टर्ब नहीं करूंगा, तू अपने क्वेश्चन पे बड़ा सा टिक लगाना आंसर पे, और यदि इधर सॉल्व कर रहा है तो यों करके बैठना, मैं क्वेश्चन और आंसर भी पढ़ सकूं, क्योंकि ऑप्शन आगे पीछे करती है JEE मेन। सीधा बी नहीं पढ़ना, वो तुम्हारे में सी पोजीशन पे होगा, और जब तुम इस तरफ सॉल्व कर रहे हो तो इधर वाला ऐसे रखना। और उसने रिक्वेस्ट मान ली, उसको सारे तो नहीं छाप पाया मगर जितने छापे, और कोई खुद की बुद्धि नहीं लगाई कि मैं एक आध भी सॉल्व कर लूं, कट ऑफ क्लियर, और बढ़िया NIT पहुंच गया वो। तो तुम अपने आगे पीछे वाले से जरूर पूछना, भाई कहां पढ़ते थे तुम, क्या रैंक लगती थी, कैसे हाल चाल है तुम्हारे। गलती से कोई टॉपर मेरे यहां का या कहीं का फंस जाए तो रिक्वेस्ट यही करना, उसको डिस्टर्ब मत करना बार बार कि ओई सरक ओई सरक, वो शिकायत कर देगा तो तुम बंद 5 साल के लिए। बहुत अलग ही शॉर्ट ट्रिक दी मैंने आपको। चलो बना, चलिए बोर्ड पे देखना क्या कहता है दिल। सुनिए बच्चा, सुनिए, देखिएगा। अच्छा, चिड़िया की कुछ हाइट दी है क्या, कितनी, सुनो, तो फिर तो बहुत सरल हो गया। ये 20 मीटर ऊंचाई पर है तो ये भी कितना, हाथ से चेहरा हटाओ, तो ये भी कितना,
और ये कौन सा 30 डिग्री, मैं क्या खा रहा हूँ, तो ये 20, तो ये बड़ा, तो ये बचा हुआ क्या, तो ये हुआ 20√3 मीटर कितने सेकंड में। कितने लोगों ने मेरा केक सुपारी मेथड लगाया और फिगर फिगर में काम करके आंसर लिया है बताओ। अभी थोड़ी देर पहले सिर्फ 2-3 को ये मेथड मालूम था, अब कईयों को मालूम है। कई लोग लेट आए इसलिए नहीं मालूम, कई लोग अभी भी सो रहे हैं इसलिए नहीं मालूम। लिखो भाई साहब, अब कौन सा करेंगे, इसको लिखना है सभी लोगों को। अब ITF का नीचे से दूसरा, आंसर पे टिक मत लगाना, आंसर पे टिक लगाने का शौक है तो पीछे सॉल्यूशन देखो, सब पे टिक लगा लो थोक में। ITF का छठवा करेंगे भाई, ITF का छठवा, मगर पहले इसको लिखने के बाद। हाँ हाँ, कितने लोगों से क्वेश्चन देखा और आंखों आंखों में आंसर आया, बिना कलम चलाए आंखों आंखों में आंसर आया, कुछ भी नहीं लिखा, हाथ उठाओ। कौन आ गया बिना कलम चलाए, पक्का खड़े हो जाओ, क्या तुम्हारे दिमाग ने सोचा, आंसर देखा सही है कि नहीं पहले, तुम्हारा आंसर चेक नहीं करा, क्या है आंसर तुम्हारा, आंसर मत देख, हुई क्या आंसर आया, क्या सोचा तुमने दिमाग में, सुनो सब लोग। हाँ, एपी में है, समांतर श्रेणी में है, टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स वाई, टेन इनवर्स जेड, तो क्या एक्स वाई जेड भी एपी में, हट जाओ अब क्या। हाँ बैठ जाओ, और कितनों ने आंखों आंखों में करा और कुछ भी नहीं सोचा और सही हो गया, बचे सिर्फ 3-4 मेरे स्टूडेंट, सुनो रे दोस्तों सुनो, 5-5-5 काई में, एपी में, जीपी में, सब में है वो, तो 5-5-5 एक्स वाई जेड स्टार 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 एपी, टेन इनवर्स स्टार, टेन इनवर्स स्टार, टेन इनवर्स स्टार एपी आंसर। अरे आप समझे, अरे जो सब कुछ सेम होता है वो भी तो एपी में होता है। अब टेन इनवर्स थ्री, टेन इनवर्स थ्री, टेन इनवर्स थ्री, कुछ ना कुछ एंगल आएगा, मान लो 75 डिग्री, तो 75 डिग्री 75 डिग्री 75 डिग्री, वो भी कायम है। तो एक ऑप्शन है, वो भी पहला ऑप्शन है, जो कह रहा है कि मैं आंसर हो सकता हूं, तो टिक लगा दो ना, और सिंगल करेक्ट है वो, दो आंसर तो हो नहीं सकते। फिर से क्या बोलूंगा, बहुत टुच्ची एग्जाम, दिमाग जागरूक रख के आपको पेपर देना है। चलो अब फिर क्या, टी एफ ई का नीचे से तीसरा क्वेश्चन नंबर 14, कक्षा 10वीं लिख लो भाई उसके बगल में, कक्षा 10वीं याद करो, ऐसे क्वेश्चन करते थे तुम लोग, जल्दी से कर दो भाई, थोड़ा लेंदी है ये, कलम चलानी पड़ेगी, कलम चलाओ, साइन कॉस में बदल दो, और सुनो साइन को एस लिखो, कॉस को सी लिखो, स्पीड बढ़ जाएगी। पूरा साइन पूरा कॉस क्यों लिख रहे हो, टेन को लिखो एस बाई सी, कॉस को लिखो सी बाई एस, और स्पीड बढ़ाओ स्पीड बढ़ाओ। दरअसल मैं अपने हैंड रिटन क्वेश्चन की शीट आपको बांटता नए और उस पर शॉर्ट ट्रिक लगाता, तो दूसरी कोचिंग वाले मालूम क्या कहते हैं, सुहाग की शॉर्ट ट्रिक सुहाग के क्वेश्चन पे ही लगेगी, मगर मैं शॉर्ट ट्रिक कहाँ लगा के दिखा रहा हूँ, आए हुए क्वेश्चंस पे। एक रेजोनेंस का बच्चा आया हमारे पास, मालूम क्या कहता है, ऐसे शॉर्ट ट्रिक वॉर्ट ट्रिक नहीं लगती, वो तो पूरा डिटेल सॉल्व ही करना पड़ता, क्या पता अब इस समय वो क्लासरूम में बैठा है कि नहीं, उसे बताओ कि लगती है शॉर्ट ट्रिक। देख इधर, साइन अपॉन कॉस, वन माइनस कॉस अपॉन साइन,
कॉस, ओए बात मत कर भैया, कॉस अपॉन साइन, वन माइनस साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस, एस माइनस सी अपॉन एस, सी अपॉन एस, सी माइनस एस अपॉन सी। अब दसवीं का है, सरल है, तो लेंदी दे दिया उन्होंने। ये एस ऊपर गया तो एस स्क्वायर हो गया, ये सी नीचे। अच्छा एक खास चीज, कोजेक को तुम पूरा कोजेक लिखना, सेक को पूरा सेक लिखना। कसम खा के रखो कि सिर्फ साइन को ही एस लिखेंगे, वो भी साइन थीटा को, साइन टू थीटा को नहीं, नहीं तो मुसीबत हो जाएगी। तुम कोजेक को भी सी लिखो, सेक को एस लिखो, कॉस को एस सी लिखो, साइन को एस लिखो, सब कुछ। रायता फैल गया, अब कौन लपेट समेटेगा उसको। तो देखिए साहब, एस माइनस सी, अब सुनो, ये ऊपर गया सी स्क्वायर, बोर्ड पे देखना, ये एस आया नीचे, भैया सुनना, इसमें से माइनस कॉमन निकाला। हेलो हाय, कौन से मीडियम के हो, डोंट टॉक, सही है। एस माइनस सी कॉमन निकाला, तो एलसीएम ले लिया, एस क्यूब माइनस सी क्यूब अपॉन क्या, एस माइनस सी को खोल दिया अपॉन एस माइनस सी, ये वाला, और एस सी ये कट गया, ये वन हो गया, तो वन प्लस एस सी और अपॉन एस सी, तो वन अपॉन एस सी प्लस वन। लेंदी तो था, तुम वैल्यू इसमें पुट करते ना 45 डिग्री 90 डिग्री उलझ जाते, क्योंकि हर बार वो इन्फिनिटी दे रहा है। आप देखिए 30 डिग्री या 60 डिग्री रखोगे तो रूट थ्री परेशान करेगा, तो उससे अच्छा एस सी कर दिया अपन ने। तो वन अपॉन साइन वन अपॉन कॉस का मतलब कोजेक थीटा प्लस सेक थीटा, सॉरी कोजेक थीटा इंटू सेक थीटा प्लस वन। कितने लोग किसी भी मेथड से आंसर तक पहुंचे, अच्छे से हाथ उठाओ भाई, अच्छे से हाथ उठाओ। ये इतने कम क्यों हाथ उठते हैं भाई, ऐसी क्या कमी रह गई कि ये आपसे नहीं बनता। कक्षा दसवीं का है भाई, अब क्या करेंगे, पी ओ टी का 12 करेंगे भाई, इसको लिख लो और पी ओ टी का 12 करो। एक काम करो, क्वेश्चन नंबर 12 आप सॉल्यूशन पीछे देखो और उसको समझ के अब भी हाल उसको दो बार लिख के देखो बिना देखे। मान लो कि शुरुआत में सबसे पहले ट्रेंगल है और रेगुलर ट्रेंगल है, इसका मतलब तीनों साइड इक्वल। तो बड़े गौर से सुनो साहब, ये जो है ये जब बनेगा तो ये क्या है, इन रेडियस अंतः त्रिज्या, और ये क्या है, कैपिटल आर बाह्य त्रिज्या। बड़े गौर से सुनना, ये एंगल के बारे में उधर उन्होंने जिक्र किया है, देखिए आप चेहरे से हाथ हटाइए, उस एंगल के बारे में जिक्र किया है कि इस एंगल के बारे में जिक्र किया, हाँ ये वाले की बात कर रहे हैं, वो सेंटर वाला, क्योंकि सुनो पूरा एंगल कितना 360 डिग्री। तो बड़े ध्यान से सुनो, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, बड़े ध्यान से देखना दादा, सुनना, ये एक आर, ये दूसरा आर छोटा वाला, और ये तीसरा छोटा वाला आर, तो ये वाला एंगल स्टार, स्टार कितना होगा, पूरा कितना, अपॉन एक दो तीन टुकड़े, तीन एक्चुअली कौन है, जितनी साइड्स, क्या चेहरे से हाथ हटाओ, ऐसे बैठो, रीढ़ की हड्डी सीधी रखो, और तुम लोग यूँ बैठे रहते हो, वो स्कूटी साइड स्टैंड पे लगी हो ऐसा लगता है मुझे। अब वो चलेगी क्या, दिमाग चलेगा क्या, रीढ़ की हड्डी पे लोड जाने दो। ये इतना हुआ, इसको ठीक बीच में से काटा, तो इस बचे हुए का नाम क्या लिखा अपन ने, थीटा। तो एक्चुअली स्टार इज इक्वल टू क्या है, तो इसकी जगह क्या आ गया, टू से इसको काटा, तो स्टार इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन क्या, थ्री बोले तो क्या, तो सॉरी, तो थीटा इज इक्वल टू पाई अपॉन क्या। अब कोई सा भी पॉलीगन उठा लाओ तुम, उसमें खास बात क्या हो गई,
ये तुम्हारा यदि आर है छोटा वाला और ये वाला तुम्हारा क्या है कैपिटल आर, तो ये क्या है थीटा है और ये 90 डिग्री है, तो ये हुआ बेस, ये क्या हुआ, तो इसमें टेकिंग कॉस कर दिया दोनों तरफ, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस आर अपॉन क्या, और एन की जगह वन और टू तो रख ही नहीं सकते भाई, पॉलीगन में कम से कम तीन साइड चाहिए, तो तीन चार पांच छह रख के देखो तो सारे ऑप्शन सिलेक्ट होंगे, अकेला बॉम्बे आंसर नहीं आएगा। तो हमको कहा भी क्या गया है कौन सा गलत है उस पर टिक करो, तो इस सॉल्यूशन को बहुत ध्यान से समझो, कॉपी में दो फिगर बनाना जैसे मैंने बनाए और पूरा एक्सप्लेन करके सेव करो। ये क्वेश्चन अच्छे लेवल का है क्योंकि परीक्षा का नाम क्या था, नहीं AI ट्रिपली थी वो, AI ट्रिपली, JEE मेन कौन से साल से शुरू हुई, 2013 में पहला पेपर JEE मेन का हुआ था, और उस साल 30 क्वेश्चन में से 28 क्वेश्चन मेरी इस बुक में से आए थे, प्रथम नायक के 120 में से 115 नंबर उस साल भी और 2016 में भी, ये रहे 120 में से 115 नंबर, और 2016 में भी सिद्धार्थ अग्रवाल के 120 में से 115। अच्छा, ये स्टडी पैकेज मैंने कल सोचा था कि आप लोगों को विदाउट एनी चार्ज गिफ्ट करूं, मगर फिर ध्यान में आया कि बहुत ज़्यादा बिल बन जाएगा, तो मैं डेली आपको ये शीट तो गिफ्ट कर रहा हूँ, मगर वो पैकेज गिफ्ट करने का प्लान कैंसिल कर दिया। मगर आपको चाहिए तो 100 रुपीज़ जमा करो और ले सकते हो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, आपकी श्रद्धा भक्ति पे डिपेंड करता, पहले देखना सुकून से, आपको लगे काम का है तो ख़रीदना, नहीं तो कोई ज़बरदस्ती नहीं, मैंने जो दिया है उसी की प्रैक्टिस करोगे तो भला हो जाएगा, क्योंकि आपके पास वो सब करने का टाइम भी तो नहीं है, ज़बरदस्ती में माल क्यों बेचूं, उसमें भी नुकसान है। स्पायरल बाइंडिंग मुझे करीब 80-90 की पड़ रही है, वो थोड़ा जल्दी जल्दी करना। अब कौन सा करेंगे भाई अपन, अरे नंबरिंग गलत डाल रखी क्या मैंने, ये इसका 12वां था। अब ITF पर आओ, ITF का 5वां कर दो भाई, ITF का 5वां, इसको थीटा माना, तो कुजेक इनवर्स 5/3 इज इक्वल टू क्या हो गया साहब, हाँ हाँ, तो 5/3 इज इक्वल टू क्या हो गया, तो इसको कहते हैं हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर कर्ण बटा लंब, तो ये ट्रेंगल बनाया, देखिए ये 5 ये 3 तो ये सचमुच छोटा दिख रहा, तो ये क्या होगा, 3-4-5 का ट्रेंगल होता है, जल्दी जल्दी बताना है, 3 इधर 5 इधर, तो इधर क्या, जल्दी जल्दी बताना भाई, जल्दी जल्दी बताना, 3 इधर 4 इधर, तो इधर नॉट 5 √7, क्यों मुझे दिमाग में रह गया, प्रथम के पेपर का क्वेश्चन था ये, और अधिकतर बच्चे उधर 5 लिखकर क्वेश्चन रॉन्ग कर आए और ऑप्शन में भी उस हिसाब से आंसर था। अब वो किस चैप्टर से आया था, आप असली 2013 का पेपर उठाओगे तो मिल जाएगा, अब वो किस चैप्टर का क्वेश्चन है ये नहीं मालूम, मगर था। मैं हर साल सेम डे पेपर सॉल्व करता हूं, इसलिए मुझे क्वेश्चन ईयर वाइज याद रह जाते हैं। चेहरे से हाथ हटाओ, रीढ़ की हड्डी सीधी रखो, तुम यहां थोड़ी देर नहीं बैठ पा रहे हो, वहां 3 घंटे कैसे बैठोगे, तो ये क्या हुआ साहब, तो 10 थीटा कितना होगा, तो थीटा बराबर, तो ये क्या हो गया, 10
इनवर्स, रुको सुनो मेरी बातें, ये जो क्वांटिटी है ये वन से छोटी है क्या? ये क्वांटिटी वन से छोटी है क्या? है ना? तो टेन इनवर्स वन कितना होता है? 45 डिग्री। तो ये वन से कम है, इसका मतलब ये एंगल 45 से कम, ये वन से कम मतलब ये 45 से कम, 45 से कम प्लस 45 से कम 90 से कम, बस। यानी फार्मूला सीधा सीधा लगेगा। यदि इसका और इसका सम 90 से ज़्यादा चला जाता तो कठिन हो जाता, फार्मूले घर जाके पढ़ना है। जब इसका सम 90 से ज़्यादा होता है तो पाई प्लस या पाई माइनस लगता है, इसलिए मैं हाईलाइट कर रहा हूँ कि ये तो किस्मत से सरल आया, हमें मालूम नहीं कैसा आएगा। तो आपको हर क्वेश्चन के आसपास का नॉलेज लेके पहुंचना है, बस इतना काफी है। तो टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी, बोलो साहब, 3/4 प्लस, हाँ अब रुको, जब ऐसा होता कि ये प्लस ये 90 से बड़ा, उस समय एक जानकारी, यह क्वांटिटी इस वन से बड़ी हो जाती तो ये क्वांटिटी नेगेटिव हो जाती। तो ये एक सिम्टम है तुम्हें बताने का। तो अब उससे क्या होगा, ये नेगेटिव तो टेन इनवर्स नेगेटिव विल बी इन फोर्थ क्वाड्रेंट, माइनस का एंगल आंसर। अब जरा सोचो तुम, ये 45 से बड़ा, ये 45 से बड़ा, सम ऐसे कैसे नेगेटिव आंसर? तो ये हिंट दे रहा है कि इसमें पाई ऐड करो तब बैलेंस होगी इक्वेशन। हर कुछ छपा छप मत करना, बुद्धि का उपयोग करना, और बुद्धि ही काम आएगी। तुम देखो इतनी देर से अपन क्वेश्चन कर रहे हैं, कहीं नॉलेज की कहां जरूरत पड़ रही? बेसिक स्कूल लेवल के नॉलेज से काम हो रहा है, दिमाग जागृत अवस्था में रखो। तो बोलो साहब ये क्या हो जाएगा? 9, 8, 4 3 12 माइनस 6, 6, 10 इनवर्स की गोदी में पॉजिटिव हो तो हम लिख सकते हैं, कॉट इनवर्स करके पलटी खिला दो। यदि नेगेटिव है तो पलटी नहीं खिला सकते, उस समय फिर से पाई ऐड करना पड़ता है, क्योंकि टेन इनवर्स माइनस एक्स का आंसर होता है फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी माइनस 90 डिग्री से 0 डिग्री, जबकि कॉट इसको पलटी खिला दो, इसका आंसर होगा सेकेंड क्वाड्रेंट यानी 90 से 180 और इसका होगा माइनस 90 से 0, जबकि साइन इनवर्स समथिंग इज इक्वल टू कोजेक इनवर्स पलटी खिला के सही है, हमेशा सही है। कॉस समथिंग इज इक्वल टू कॉस इनवर्स समथिंग इज इक्वल टू सेक इनवर्स पलटी खिला के ऑलवेज करेक्ट, हमेशा सच है। सिर्फ टेन और कॉट लफड़ा करते हैं और सारे क्वेश्चन उसी पर पूछते हैं लोग कि इसने बारीकी से पढ़ाई करी कि नहीं। अब हमको कैसे याद रहे कि किस में क्या करना है? कोई तनाव की बात नहीं है, मेरी तरफ बड़े गौर से सुनो, जब मैं समझा रहा हूं तब अटेंडेंस को साइड में रखो, जब मैं लिखने को बोलूं तब अटेंडेंस आगे बढ़ा देना। अभी सुनो, अमिताभ बच्चन को टाई पहननी है, जया भादुड़ी टाई पहनाना चाहती है, कौन है जया भादुड़ी? वो तो जया बच्चन है ना, जया भादुड़ी कौन है? अरे आपकी मम्मी की सरनेम शादी के पहले क्या थी? वही थी क्या जो अभी है?
तो क्या रिश्तेदार में शादी हो गई थी क्या? है अपन पाकिस्तान के थोड़ी हैं, चेंज होती है ना मामा लोगों की सरनेम। तो अभिषेक के मामा की सरनेम भादुड़ी है क्या? तो पटले पे कौन खड़ा होगा? जया खड़ी होएगी ना। क्यों खड़ी होएगी? लेवल बराबर करने के लिए क्या? अब सुनिए आप कंसेप्ट, ये है कैसी क्वांटिटी, बहुत छोटी। ये कैसी क्वांटिटी, इससे तो बहुत बड़ी। पटले पे कौन खड़ा होगा? छोटी वाली। तो पाई नाम का पटला इसमें लगेगा, पाई प्लस टेन इनवर्स नेगेटिव क्वांटिटी विल बी कॉट इनवर्स पलटी खिला के। और खास चीज, ये माइनस बाहर आ जाता है, टेन में कॉट में नहीं आता बाहर, ये भी ध्यान रखना। तो रटना नहीं है दुनिया में, समझ लेना। तो आंसर क्या 6/17 सही है क्या अपना? तो जिनको काम का लगे वो लिखो, जिनको ये सब कुछ बहुत अच्छे से मालूम था वो ऊपर के 1 1 1 2 2 2 3 3 3 करो। और ये अटेंडेंस आगे बढ़ना है पीछे बढ़ना है, अपनी पूरी लाइन से पूछ लिया करो साइन हो गए कि नहीं। और ऊपर हेडिंग देखो उस पेज की, अपनी ही क्लास का नाम लिखा है कि नहीं? ऊपर हेडिंग में देखो अपना नाम लिखा है अपने बैच का। और बगल में डायलॉग लिख लो, पटला ठिगने में लगता है। निदा खान करके मेरी एक स्टूडेंट थी, बिट्स ऑल इंडिया AIR 1। अब फोटो खिंचवाना था साहब साथ में खड़े होके, उसको पटले पे खड़ा किया, उसके बावजूद वो यहां तक आ रही थी। अब बताओ आप, दीदी इधर आओ, आगे इधर अंदर सर को, नहीं ये सेकंड लाइन वाले अंदर सर को, ये हटाओ बीच में से टेब। हाँ, आपकी एक पांव उधर एक पांव उधर कर लो, ये शीट वन शीट टू दोनों एक एक उठा लो, दोनों पे अपना नाम लिख दो, इसमें अटेंडेंस पे अपना नाम लिख दो। रुको रुको, पीछे भेज दो, चलो आगे देखो, आप लोग अपना क्वेश्चन करो। ये लिखो सुकून से जिनको नहीं मालूम था। और इन दिनों में पानी खूब पियो, खूब पियो, नहीं तो मालूम एग्जाम हॉल में तुम्हारा मूड खराब होना पे एग्जाम बिगाड़ देगा। और हमारी पूरी बॉडी क्या है? केमिकल रिएक्शन, केमिकल मेमोरी है ना। तो न जाने कौन सा एक्शन हमें अफेक्ट कर दे और हमारा पेपर बिगड़ जाए। तुम तो 2-3 बाटल भर के लाया करो। वैसे हमारे यहां इसके ऊपर वाले फ्लोर पे वाटर कूलर लगा हुआ है एक्वागार्ड के साथ, मगर कर्मचारियों के भरोसे नहीं, वो लोग भरते नहीं है कभी कभी। ये लिख लिया, सब कुछ लिखा, फार्मूले लिखे दीदी आपने, हेलो हाई। तो आप ऊपर से 1 1 1 2 2 2 3 3 3। कल अपना एमपी नगर का होगा मैडम 2 बजे से 3 बजे तक, 1 घंटा। और सुनिए, बैरागढ़ का 10 बजे से 11 बजे तक है। फोन आए ना किसी का तो स्पेसिफाई करना, चेहरे से माथे से गले से हाथ हटाओ, रीढ़ की हड्डी सीधी रखो। ये इस लाइन में सबके हुए साइन, इधर इधर। हाँ तो आगे बढ़ा दो, मिटा दूँ इसको, मिटा दूँ भाई। चलो अगला करते हैं, अपन क्या पढ़ रहे हैं उनको बता दो, शीट वन पे शीट वन लिखवा दो। सभी बच्चे TFE का 13वां एक साथ शुरू करें। ट्रिपेजियम मतलब समलंब चतुर्भुज, ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB तथा CD समानांतर हैं, BC लंबवत है CD के, ADB का कोण थीटा है, BC P है, CD Q है, तो AB की लंबाई बताइए। BC CD परपेंडिकुलर है, मतलब C 90 डिग्री बनेगा और दूसरा वाला तिरछा बनेगा। बातें ना करें और गाने सिर्फ मैं गुनगुनाऊंगा, तुम लोग नहीं। कितने बच्चों को यह क्वेश्चन भी टुच्चा लगा और उन्होंने कुछ आंसर ढूंढा? नमन वर्मा ओनली, आइए 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 बोर्ड पे देखिए। BC CD परपेंडिकुलर, इसका मतलब
सी ये बनेगा, बी ये बनेगा, डी ये बनेगा, बी सी साहब पीयू है, सी डी साहब क्यू है, बोर्ड पे देखना, ये ए बनने वाला है, ए डी बी थीटा है, ए डी बी थीटा है। देखो वैसे तो क्वेश्चन चाह रिया है कि हम फोटो ऐसी बनाए, मगर हम क्वेश्चन के हिसाब से थोड़ी चलते हैं। हम ऐसी फोटो बनाएंगे तो क्वेश्चन क्या कर लेगा, ये थीटा है और मैंने इस थीटा को क्या मान लिया 45 डिग्री, और मैंने पी और क्यू को भी आपस में सेम मान लिया, मत मानो इतनी भी उसके साथ गलत मत करो, ठीक है। उन्होंने हमसे काई की लंबाई मांगी है, ठीक है, आप थीटा की जगह 45 पुट करो, चारों ऑप्शन में कौन कौन तुम्हें क्यू आंसर दे रहा है बताओ, पुट तो करो देखते हैं क्या होता, सभी में 45 पुट कर दो, चारों करना, ऐसा नहीं कि एक या दो करो, चारों करना, और कौन तुम्हें क्यू आंसर देता है बताओ। अरे एक मिनट रुको रुको, मैंने कुछ गलत कर दिया, ये एंगल 45 होगा तो पी और क्यू को क्या करना पड़ेगा, है ना, तो फिर P की जगह मतलब P और Q सेम करो और थीटा 45 रखो, नहीं तो रेक्टेंगल में ये 45 थोड़ी होता है। तो पहला ऑप्शन क्या हो गया, सुनो, P और Q दोनों की जगह अब तुम स्टार लिखो, क्या लिखो, स्टार, तो 2 स्टार स्क्वायर हो गया, 1 अपॉन रूट 2 हो गया, और फिर नीचे 2 स्टार 1/√2, तो देखो बाकी सारे चेक करो, बाकी भी तो आंसर सेम नहीं दे रहे, देखो देखो जल्दी जल्दी चेक करो, सारे चेक करो, मैंने पहले बोला ही था ना P और Q को इक्वल मान लो, और दिमाग में दूसरी सोच क्या आई, मत मानो, तो पहली बार में जो दिमाग में आता है ना वो सही आता है, और जहां अपन उसको दोबारा एनालिसिस करते हैं गड़बड़ हो जाती है। आपको ध्यान होगा मैंने बोला था P और Q इक्वल ले लो, चारों ऑप्शन में P और Q की जगह स्टार और थीटा की जगह 45, बताओ पहले का आंसर स्टार आ रहा है, दूसरे का क्या आ रहा है, कुछ और आ रहा है, दूसरा भी स्टार आ रहा नहीं आ रहा, तीसरा आ रहा है नहीं आ रहा, चौथा, इसका मतलब ए सही है, देखो पीछे अपना सही है कि नहीं, देखो ना सही हो गया क्या, देखो तो यार, तेरवा तेरवा टी एफ ई का तेरवा, ऊपर गलती से सीक्वेंस सीरीज लिखा उसको काट दो, वो टी एफ ई है सॉल्यूशन में, सही है। कितने बच्चों ने ऐसा माना, क्या नाम, नाम बोलना, उत्कर्ष आगे यादव, मेरे दोस्त हैं ये, सूर्य निगम ये भी मेरे स्टूडेंट हैं, बता सिर्फ दो की बुद्धि चल रही, नमन भैया का क्या आइडिया है, खड़े हो जाओ, कमाल कर दिया इन्होंने, फिजिक्स की शॉर्ट ट्रिक मैथ्स में लगाई, बड़े गौर से सारे ऑप्शन देखो, सुनो 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 सुनो, जहां P और Q लिखा है वो क्या है, सेंटीमीटर, तो हमको आंसर क्या निकालना है, ए बी लेंथ, तो मस्ट बी आंसर इन सेंटीमीटर। अब तुम डी ऑप्शन देखो, तो डी ऑप्शन में है सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, नीचे क्या है, सेंटीमीटर प्लस सेंटीमीटर यानी कि 2 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया, यानी कि डी ऑप्शन यूनिट लेस हो गया,
कोई मात्रक नहीं, जबकि हमें निकालनी है क्या, लंबाई। तो लंबाई निकालनी है तो सेंटीमीटर बचना चाहिए। तो सी देखिए, सी में भी सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो रहा। सब्र तो रखो। अब ए और बी दोनों का यूनिट सेंटीमीटर हो रहा है, ठीक। अब सुनो बड़ी काम की बात, हमेशा आंसर सिमेट्रिक फॉर्म में होते हैं। कॉस थीटा का मल्टीप्लाई सिर्फ क्यू स्क्वायर के साथ क्यों हो रहा, यदि ब्रैकेट लगा होता तो मैं को पूरा सॉल्व करना पड़ता। समझ रहे हो आप बात को? तो जनरली सारे आंसर सिमेट्रिक फॉर्म में होते हैं, समरूप। भगवान ने हमें बनाया है, उनको दो आंख देनी थी तो एक इधर और एक दी इधर दी। मुंह कितने देने थे, एक, तो सेंटर पे लगाया, सिमेट्री। आप समझो ना बात को। तो कॉस का मल्टीप्लाई सिर्फ एक के साथ क्यों हो रहा है, इसलिए ए आंसर। अब आप खूब प्रैक्टिस करोगे ना तो ये नॉलेज डेवलप होता है। तो ये तीन या चार बच्चों ने शॉर्ट ट्रिक लगाई, बोर्ड वाली और यूनिट वाली, ये मेरे लोग हैं सब। फिर से ये कौन सी कैटेगरी का गया ध्रुव भैया, टुच्चा कैटेगरी का। मैं आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा रहा हूँ कि एक हफ्ता तुम मेहनत करो मेरे साथ और घर जाके भी, तो गाड़ी पार हो जाएगी। और फिर 45 दिन मिलेंगे एडवांस के लिए, तो उसमें तो और अच्छे से मेहनत करेंगे। अब पी ओ टी का करिए, पी ओ टी का 11। ये लिख लो भाई, ऐसा लिखो, ऐसा स्टार लगा के लिखो। थीटा यदि 45 मान रहे हैं तो रेक्टेंगल नहीं, इट मस्ट बी स्क्वायर। आयत नहीं, वह वर्ग होना चाहिए। अटेंडेंस सबकी हो गई क्या? इधर नहीं हुई ना दीदी, इधर बढ़ाना चाहिए ना आपको। फिर से हाइट एंड डिस्टेंस, कक्षा 10वीं। इसमें क्या क्या लगेगा, केक सुपाड़ी में से क्या लगेगा, केक, ठीक। केक सुपाड़ी कॉन्सेप्ट लगाओ, आंसर निकाल के दिखाओ। अब जो लेट आए उनको नहीं मालूम। और सुनो, मुझे एच निकालना है ना हाइट, तो मैं नीचे वाले बीसी को एक्स क्यों मानूंगा, मुझे जो निकालना है मैं वो मानूंगा, तो मैं उसको एच मानू, तो बीसी क्या बना, एच बाई रूट थ्री। और सी डी, वो सॉरी बिड़ी बिड़ी एच, तो एच बाई रूट थ्री प्लस 7 इज इक्वल टू एच। सॉल्व कर लो, एच हाथ में, इतना सरल है, बताओ आप। और वो बेचारे दसवीं के बच्चों को ऐसा ऐसा सिखाते हैं, इन ट्रेंगल धिस टेकिंग 10 थीटा, न जाने क्या क्या। तो नीचे अपॉन में आ रहा है क्या रूट थ्री माइनस 1? हाँ, तो रेशनलाइज कर दो, रूट थ्री प्लस 1 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, या वैसा भी तो ऑप्शन है। हाँ, तो रेशनलाइज करके देख लो, कितने लोग के पास कुछ ना कुछ आंसर आया। पीछे मिलाओ, देखना क्या है, पीछे गलत है, बॉम्बे, और तुम्हारा भी बॉम्बे। कितने लोगों का सही गया, वो हाथ उठाओ। अब बताओ आप, केक सुपाड़ी नहीं जानते होते तो तुम कैसे करते होते। तो जरा देखिए, ये एच है भैया, तो ये क्या है भैया, अब ये 45 है तो ये पूरा क्या है, तो दिस प्लस दिस, तो ये 7 इज इक्वल टू एच माइनस एच बाई रूट थ्री। एच पूरे में से कॉमन आ गया, रूट थ्री माइनस 1 अपॉन रूट थ्री, तो ये 7 रूट थ्री अपॉन रूट थ्री माइनस 1 हुआ एच। इसको रेशनलाइज कर दिया, रूट थ्री प्लस 1 रूट थ्री प्लस 1, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 7 रूट थ्री प्लस 1, तो ये 2 हो गया। अब आई टी एफ का करिए, चौथा। सभी के साइन हो गए क्या? हाँ, सभी के हो गए, तो बच्चा बाहर दे आओ ऑफिस में। भाई मेरी बात सुनो, बड़े गौर से सुनो, साइन इनवर्स एक्स अपॉन 5 प्लस कुजेक इनवर्स 5/4 इज इक्वल टू π/2। इसको मैंने थीटा माना, बोर्ड पे देखते रहना, साइन इनवर्स एक्स अपॉन 5 इज इक्वल टू थीटा, तो एक्स अपॉन 5 इज इक्वल टू
ये परपेंडिकुलर ये हाइपोटेनियस लंब बटे कर्ण, तो बोलो भाई सही है क्या? तो ये कितना हो गया, ये क्या हो गया, सही है। तो सेक थीटा क्या होता है, कर्ण अपॉन क्या, आधार, तो ये क्या हो गया, सही लिखा है क्या? तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, सेक इनवर्स 5 अपॉन अंडर रूट 5 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कोजेक इनवर्स 5/4 इज इक्वल टू क्या। अब थोड़ा याद कीजिए, सेक इनवर्स स्टार प्लस कोजेक इनवर्स स्टार हो तो ही पाई बाई टू हो सकता भाई साहब, तो इन दोनों का सेम होना जरूरी है, तो इन दोनों का सेम होना जरूरी है, तो 5 से 5 कट गया, 5 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मस्ट बी 4, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 16 का डोला प्लस माइनस 3 या 3। कितने लोग 3 आंसर पर किसी भी मेथड से पहुंचे, हाथ नीचे करो। कितने लोगों का मेथड लगभग मेरे से मैच हो रहा, तुमने सबको 10 में बदल दिया होगा। अच्छा, तुमने इसको कॉस में बदला होगा, उसको लिखा रहे दो, साइन इनवर्स को लिखा रहे दो, इसको बदलो तो ये ज्यादा अच्छा तरीका, वेरी गुड। 5/4 इज इक्वल टू 5, तो 5/4 इज इक्वल टू कोजेक 5, तो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये 5 ये 4 तो ये क्या 3, तो कॉस फाई कितना 3/5, तो फाई क्या कॉस, कॉस इनवर्स, वेरी गुड, ये ज्यादा अच्छा तरीका था। तो साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स 3/5, ये पाई बाय टू कब होता है, जब ये चीज और ये चीज सेम हो, तो स्टार बराबर वो एक्स बराबर 3। तो जिन लोगों का लिखना बाकी है वो वाला तरीका लिखो, ज्यादा अच्छा है। हमें किसी एक का धर्म बदलना था तो मैंने इसका बदला, बल्कि उसको बदलने में आसान पड़ रहा। अरे सही है, तो लिखो, जिनके पास आंसर आ चुका है मगर ये मेथड नहीं है ये वाला, वो भी लिखो। साइन इनवर्स समथिंग इज इक्वल टू प्लस कॉस इनवर्स सेम थिंग इज इक्वल टू पाई बाई टू, क्यों होता है ऐसा, क्यों होता है? कक्षा 10वीं में था, साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, उसको अपन यूज करेंगे तो इसका डेरिवेशन हो जाता है। बातें ना करें, डन 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 डन। चलो अब कौन सा करेंगे अपन, टी एफ ई का 12 करो ना भाई, अब बड़े आराम से बैठो यार, कलम चलाओ फुर्ती में खुशी खुशी। कितने लोग सफल हो गए, सीताराम, हरलिन कौर, मोहन, रोहन शर्मा, उत्कर्ष यादव, अनुराग जैन, नमन वर्मा, तुम्हारी कसम झूठ नहीं बोल लिया हूं, कक्षा 10वीं का है ये भी, थोड़ा सा नॉलेज 11वीं का लगेगा, सुनो वो गौर से भाई। हेलो हाय, इधर देखो, स्क्वायरिंग किया, क्या किया, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, बोलो 9 साइन स्क्वायर p प्लस 16, फिर 2ab, तो 2 इंटू 3 इंटू 4 कितना, साइन p कॉस इज इक्वल टू कितना, ये नीचे वाला बोलो, बोर्ड पे देखते रहे ना, 16 साइन स्क्वायर क्यू 9 कॉस स्क्वायर पी 24 साइन क्यू कॉस पी इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर, इनको ऐड कर दिया, तो इन दोनों को ऐड करो, तो 9 कॉमन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इन दोनों को ऐड करो। ओ हेलो हाय, ओ हेलो हाय, आइडिया मत चुराओ, यहां देखो, चेहरे से हाथ हटाओ, सीधे होके बैठो। इसमें से 16 कॉमन निकाला, तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर सेम एंगल होने पर, तो कितना
प्लस इसमें से 24 कॉमन निकाला, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन 37 में से 25 गए, 12 अपॉन 24, तो साइन पी प्लस क्यू है ये, तो पी प्लस क्यू कितना हुआ 150 भी तो हो सकता, तो हमसे क्या मांगा है आर, तो आर होगा 150, या हमसे मांगा क्या सिर्फ एंगल मांगा है कि कुछ और मांगा, कौन सा कर रहे हैं अपन भाई साहब, दोनों ऑप्शन है, क्या करोगे आप, 5π/6 150 होता है और π/6 30 होता है, क्या प्लस में क्या है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है गोलू, इसलिए 150 होता है, वो प्लस प्लस कर रहे हैं बहुत देर से, जोर से खड़े जोर से बोलो, हाँ पी प्लस क्यू यदि 30 है तो पी भी 30 से छोटा और क्यू भी 30 से छोटा, तभी तो उसका सम, हाँ तो अब क्या कहना चाह रहे हो भैया, की बात मुझे सही लग रही है, 3 साइन पी यदि ये 30 डिग्री से कम है तो कितना हो जाएगा 1/2 से कम, और कॉस क्यू उसमें क्यू 30 डिग्री से कम है तो 4 कितना हो, 4 का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा √3/2 से कम की ज्यादा, ज्यादा होगा तो 4 × ज्यादा प्लस 3 × कम, इट कैन बी 6। उत्कर्ष भैया बैठिए, कॉस इज डिक्रीजिंग फंक्शन, पीछे आंसर क्या दे रहे हैं बोलो बे, 30 डिग्री बोल रहे हैं, तुम तो स्टार लगाओ और लिखो ए एंड बी बोथ, अभी तक जो अपना दिमाग चल रहा है उसमें तो ए एंड बी बोथ ही आ रहे हैं भाई, और पीछे आंसर देखने पे अपन को सिर्फ बी लिख रहे हैं वो लोग, डन 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 डन। अब लिखो पी ओ टी, पी ओ टी का 10वां, ये भी वही है हाइट एंड डिस्टेंस, बात ना करें, वो ब्रैकेट में इज इक्वल टू ए लिखा है क्या, पढ़ाई में नहीं आ रहा देखना, इज इक्वल टू ए करो तो आंसर सही है। सुनिए ऋषभ जी ने सही एक्सप्लेनेशन किया, सुनिए इनने कहा कि पी प्लस क्यू यदि 30 डिग्री है ठीक, तो इसको मैक्सिमम कर दो क्यू 0, तो ये 4, तो ये 30, तो 3/2 प्लस 4 6 थोड़ी होगा, और इसको 0 कर दो तो 0, और कॉस इंटू √3/2 तो ये तो वो भी नहीं होगा, तो सही बात है, ये गलत ये सही, बधाई हो, एक्सप्लेनेशन लिखो आप लोग। अब इतना बारीक कैलकुलेशन आ जाता है, मूड अच्छा हो तो ही तो दिमाग में से आंसर आएगा, इसलिए नींद पूरी करना है तभी पढ़ा हुआ बाहर आएगा, ये मैंने लिख रखा है, सो जाना है 9 बजे और सिर्फ सोना ही है, हेडफोन लगा के बतियाना नहीं है किसी से। कौन सा कर रहे हैं भाई अब अपन, कौन सा कर रहे हैं, पी ओ टी का 10, पी ओ टी का 10 करो, इसमें कारण समझा कर आओ कि ये कभी भी 6 नहीं देगा यदि सम 30 डिग्री है तो, ऐसा समझा दो, 6 से कम ही कम आएगा। सुनो हम ऊपर से देख रहे हैं तो टावर को एक रॉड समझ लो ऐसा, तो अब हम इसको ऊपर से देखेंगे तो एक बिंदु दिखाई देगा और ये सर्कुलर पार्क है, तो हम ऊपर से देख रहे हैं तो ये जो टावर है ये बिंदु दिख रहा है, ये कैपिटल ए और कैपिटल बी बिंदु है, इसके बीच की दूरी कितनी है और ये कितना, तो ये भी ए और ये भी है, अरे 60 डिग्री है, तो उन्होंने बातों बातों में क्या बोल दिया, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया ना है, वैसे भी होगा 30 हो जाए तो भी होगा, अरे गोलू ये ले ये 30 डिग्री ठीक, अब बता या बता, ए होगा अभी भी, क्या हूँ मुंडी हिला रहे हो, ये तुम्हें छोटा और ये बड़े नहीं लग रहे, अबे गोलू ये आर आर होंगे बट नॉट इक्वल टू ए, ये दिमाग ठस हो जाता है जगह हुआ नहीं हो तो,
आप समझ रहे हो, इसलिए बोल रहा हूँ नींद पूरी करो। 60 है इसलिए तीनों ए ए ए है। 30-45 के केस में क्या होगा, आर आर तो होगा बट नॉट ए। अरे हाँ, और ऐसे पूछा करो डाउट, बेइज्जती होगी तभी सिलेक्शन होगा। क्या चुपचाप बैठे रहोगे तो फिर लफड़ा हो जाएगा, वहां वाट लगा कर आओगे फिर तुम, वहां बेइज्जती होगी। अरे यस, अब क्या बोल रहे हैं। अच्छा अब सुनो, ये टावर खड़ा है, ध्यान से समझना, ये टावर खड़ा है और ये एंगल 30 डिग्री है। 3D क्वेश्चन है, कोई तनाव नहीं। ये ऐसा है और ये कितना, 30, ये वाला एंगल। तो इसको ऊपर से मैं दिखाऊं आपको, तो फुट ऑफ टावर और ये ए, और ये टावर जो खड़ा है ना उसको मैंने गिरा दिया, और इधर एंगल कितना बना, ऐसा बोल रहे हैं। तो ये ए, ये 90, तो ये मेरा जबड़ा 30 डिग्री, 30 बोला 60 बोला। देखो ऐसे फिगर गलत बन जाए तो एग्जाम में वाट लग जाए। 30 डिग्री है ना, तो फोटो ये सही है। तो अब मैं 30 डिग्री है, मैं क्या खा रहा हूं, तो ए है तो ये, देखना आंसर, देखना देखना देखना, ऑप्शन भी है कि नहीं पहले तो ये देखो, सही हो गया क्या, बताओ मुझसे सही हो गया है। कितने लोगों ने यूं ही आंखों आंखों में कर दिया, हाथ उठाओ, एक भी बहन बेटी से नहीं हुआ, बधाई हो। लिखो ITF का कौन सा, आप लोग आगे आगे मत चलना भाई, मैंने आप लोगों से बोला है कि जब सेल्फ प्रैक्टिस कर रहे हो तो ऊपर से नीचे आना, मैं बोलूंगा उस समय नीचे से ऊपर जाना। ITF का थर्ड करो भाई, बात नहीं करोगे, अपने दम पे करना। क्वेश्चन नंबर 3, कितने लोगों से कुछ ना कुछ मेथड से बन गया, आंसर सी आया हो तो हाथ उठाना। कितने लोगों ने आंखों आंखों में कर डाला, किसी से नहीं बना, हरलिन दीदी से बना और ऋषभ से बना। सुनो सुनो भैया, वो पेन कापी छोड़ दो, ओ हेलो हाई, जिंदगी के सारे काम मिलजुल के करोगे तो काहे कर रहे हो फिर। अभी बोर्ड पे देखो क्वेश्चन नंबर 3, बड़े गौर से देखो आप। मैंने ये सब आंखों आंखों में किया और y को मैंने 0 ले लिया, तो cos इनवर्स x माइनस 90 डिग्री इज इक्वल टू क्या, जादू देखो तुम आंखों आंखों में, तो cos इनवर्स x इज इक्वल टू 90 प्लस अल्फा, तो x इज इक्वल टू cos 90 प्लस अल्फा। सेकेंड क्वाड्रेंट, cos सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव और 90 में नाम बदल जाता है। अब जो आपको उन्होंने लिख के दिया है 4x स्क्वायर माइनस y 0 फिर 0, तो 4x स्क्वायर 4 साइन अल्फा का स्क्वायर। ये आंखों आंखों में किया, कितने लोगों ने ऐसा ऐसा किया, फिर कौन कहता शॉर्ट ट्रिक नहीं लगती, सोचने की दम होनी चाहिए। इसका क्वेश्चन नंबर 2 भी मुझे आंखों आंखों में करके दिखाओ, कलम नहीं चलाना रे बाबा, क्वेश्चन नंबर 2 पे नजरे गाड़ के रखो, मैं सिखाता हूं, नजरे गाड़ के रखो और कान मेरी तरफ रखना, आंखें क्वेश्चन पर। सुनो, साइन इनवर्स ए लिखा है ना, तो ए माइनस 1 से 1 के अलावा हो ही नहीं सकता, सी खारिज हो गया। अरे हो गया भाई, ए भी खारिज हो गया, ए में क्या लिखा है, ए बड़ा रहे 1/√2 से, तो भैया कितना भी बड़ा हो जाए, कोई लिमिट थोड़ी लिखी है, ए खारिज। अब जिंदगी में बचे बी और सी, वो बी और डी, तो बी डिसबैलेंस है, एक तरफ 1/√2 एक तरफ 2 है, मैंने क्या कहा था सिमेट्रिक आंसर होते हैं, आंसर डी। अरे हेलो हाई, कहाँ टिक लगा रहे हो,
अंतर पे टिक मत लगाओ, क्वेश्चन पे टिक लगाना है कि ये हो गया। अब मेरी बात सुनो, दूसरे तरीके से करके दिखाऊं, जेन्युइन मेथड। साइन इनवर्स एक्स, नहीं पहले रुको आंसर देखो मेरा मेथड सही है कि नहीं। देखना देखना बी आ रहा है क्या? नन है ही कहां ऑप्शन। एसी भी चोट हो जाती है कभी है भाई, मतलब एसी डी एसी बी तो नहीं है। रुको देखो, थोड़ी सी गलती हुई। जेन्युइन साइन इनवर्स एक्स की औकात बोलो कहां से कहां तक, और साइन इनवर्स एक्स ही क्या लिखा हुआ है, तो टू साइन इनवर्स ए। अब भाई चारों ही ऑप्शन गलत है तो मैं क्या करूं, तो ये कितना टू गयो डिवाइड में, तो बोलो माइनस पाई बाय फोर से टेकिंग साइन, तो साइन माइनस पाई बाय फोर ए, साइन से साइन हट जाएगा तो ए क्या होगा, तो दोनों जगह लिखने की जगह फिर ऐसा लिखा जाता है कि मॉड ए लेसर देन वन बाय रूट टू। तो मेरे को ऐसा लगता है कि असली पेपर जब बना होगा ना, तो बी ऑप्शन में इधर वाला माइनस वन बाय रूट टू होता तो बी सही हो जाता, मगर असली क्वेश्चन पेपर में मिसप्रिंट हुई। अब इस किताब वाले ने जब सॉल्यूशन निकाला तो उसने बोल दिया चारों गलत। मॉड भी नहीं होना चाहिए था ए पे ऊपर, ए के ऊपर मॉड भी नहीं होना चाहिए था। स्टार लगाओ, गलत चारों गलत भी होते हैं साहब। अब कौन सा करना, ये भी कर लिया टू भी कर लिया। टी एफ ई का ग्यारहवा करिए हैं, कौन, बहुत बढ़िया, ऐसा लिख सकते हैं क्या, तो कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस वन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस क्या, ठीक है ठीक है, इसको तुम क्वाड्रेटिक मान के मिनिमम कुछ और मैक्सिमम इन्फिनिटी मत बोलना, चोट हो जाएगी, क्योंकि कॉस है, कॉस इन्फिनिटी खुद नहीं दे सकता, तो ओवरऑल क्वांटिटी इन्फिनिटी कहाँ से दे देगी। तो इसमें क्वाड्रेटिक ना अप्लाई करके परफेक्ट स्क्वायर अप्लाई करो, तो कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस टू का मल्टीप्लाई टू का डिवाइड, कॉस स्क्वायर एक्स ए स्क्वायर माइनस टू ए बी, काश मेरे पास बी स्क्वायर होता, चेहरे से हाथ हटाओ, तो ए प्लस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाता, तो वन बाई टू का होल स्क्वायर जोड़ा और वन बाई टू का होल स्क्वायर घटाया, ये पहचान कौन, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन बाई टू का क्या और प्लस वन माइनस वन बाई फोर ए। तो क्या बोल रहे, ये क्वांटिटी जीरो हो सकती है क्या, हो सकती है ना, कभी ना कभी होगी, जब कॉस हमें वन बाई रूट टू देगा तो उसका स्क्वायर वन बाई टू, तो ए मिनिमम हुआ कितना, अब मैक्सिमम, तो ये स्क्वायर मान लो ना होता तो हम बोलते कि कॉस हो जाए माइनस वन, स्क्वायर ना होता तो माइनस वन और माइनस वन बाई टू का होल स्क्वायर बहुत बड़ा, मगर अभी क्या है, स्क्वायर है, तो ये कम से कम कितना हो सकता है, जीरो। अब आप इसको तुम जीरो के अलावा कुछ भी ले लो, पॉइंट वन ले लो, तो पॉइंट वन में से पॉइंट फाइव गए, अरे हाँ हाँ करो ढूंढो ए मैक्सिमम, सोच समझ के ढूंढ के बताओ, वन वन लग रहा है मुझे भाई, वो कॉस जीरो हो जाएगा, तो जीरो माइनस वन बाई टू, वन बाई टू का स्क्वायर वन बाई फोर मतलब चवन्नी, और थ्री बाई फोर मतलब बारह आना, तुम लोगों ने तो देखे ही नहीं छोटे छोटे सिक्के, मैंने देखे, वो किशोर कुमार का गाना था, दे दे मेरा पाँच रुपया बारह आना मारेगा भैया नहीं तो, मतलब उसकी फ्रेंड ने पाँच रुपये बारह आने रख लिए, तो वो पीछे पीछे घूम रहा है वापिस कर, और तुम लोग न जाने कितने लुटा देते हो, हासिल कुछ नहीं होता है। तो वो क्या हुआ, वन बाई फोर प्लस थ्री बाई फोर कितना, वन। तो देखना ऑप्शन है क्या ऐसा कुछ, डी फॉर डॉग, करो भाई जल्दी करो, मैंने छुट्टी कहाँ करी, मैंने तो क्या कहा था मैं छः बजे तक फ्री हूँ कि रोक दूँ, है एक काम करो, थोड़ा पैटर्न समझो अपन ने क्या किया,
आपकी कॉपी में लिखना, लिखो कॉपी में कहीं पर लिखो टी एफ ई, ठीक है। टोटल्स उसके सामने लिखो इज इक्वल टू 16 माइनस 5 इज इक्वल टू 11। आप नहीं, 11 भी तो मैंने कर दिया, तो 16 माइनस 6 बराबर 10 लिखो। तो आपके लिए 10 क्वेश्चन होमवर्क बचे, ठीक है। पीओटी पर आओ, पीओटी में लिखो 14 माइनस 5 9 बचे, ठीक है। टीएफई पे जाओ, 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 1। तो यदि तुम अभी घर जाओ और ये करने बैठो, डिटेल सॉल्यूशन मैंने दिया है, तो मैं एक्चुअली एक्सप्लेन कर रहा था, इसमें टाइम किल होता है, और आपको समय दे रहा था करो, फिर मैं कर रहा था, उसमें टाइम बिगड़ रहा था। आप जब अकेले बैठ के करोगे तो करके देखा एक मिनट बन रहा है कि नहीं बन रहा, बन रहा है तो आंसर मिलाओ, या गलत गया या नहीं बना तो सॉल्यूशन देखो, और सॉल्यूशन देखो सुकून से, फिर सॉल्यूशन बंद करो, उसको सरका दो। दो बार बिना देखे सॉल्यूशन लिखना है तो तुम कितने देर में ये खत्म कर लोगे, इसको सॉल्व करने में कितने मिनट कितने घंटे लगेंगे, क्वेश्चन गिनो 20। और अपन ने आज करे कितने, 17 में मुझे 4 घंटे लगे क्योंकि मैं एक्सप्लेन कर रहा था। जब आप ही खुद खुद कर रहे हो तो एग्जाम हॉल में तो 20 क्वेश्चन के कितने मिनट, 40 मिनट, 60 मिनट 30 क्वेश्चन, तो तुम 40 की जगह 80 मिनट में किया तो भी एक घंटा 20 मिनट का काम है। आप मेरा प्लान समझो, जब मैं 8th क्लास में था तो स्कूल में वो करवाया गया क्या, अब हिंदी मीडियम में था मैं, दिनचर्या लिख कर लाओ, टाइम टेबल। तो मैं लिख के पहुंचा, हाईएस्ट मार्क्स मिले। मैं टाइम टेबल अच्छा बना के दे सकता हूं, उस पर मैं खुद काम नहीं कर सकता तो टाइम टेबल इतना बेहतरीन था, उसके अंदर खेलने का भी टाइम था, चेहरे से हाथ हटाओ टीवी देखने का भी टाइम था, पढ़ाई का भी टाइम था, इतना बैलेंस्ड, मतलब फुल मार्क्स मिले हाईएस्ट। मगर अपन खुद उस पर काम कभी नहीं कर पाए, है ना। तो मैं टाइम टेबल आपको दे रहा हूं बना के, यदि आप काम कर पाए तो आप सक्सेसफुल, बाकी कर तो पाते ही नहीं है लोग। एक वो होता है ना, क्या बोलते हैं आप लोग फिजिक्स में, स्टैंडर्ड इंजन, एफिशिएंसी मस्ट बी 100%, आइडियल, आइडियल, आइडियल इंजन। ट्रांसफार्मर, देयर इज नो मूविंग पार्ट, कोई फ्रिक्शन लॉस नहीं है, फिर भी एफिशिएंसी 85 या 90 मैक्सिमम। तो 100% एफिशिएंसी दे देंगे तो अपन तो भगवान बन जाएंगे, मगर कोशिश तो कर सकते हैं। सबसे ज्यादा इंजन का लॉस कहां होता है, एनर्जी का, मूविंग पार्ट्स, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन में ही हीट लॉस होता है, और एफिशिएंसी मैक्सिमम 60% से ऊपर नहीं आती किसी भी मूविंग इंजन की। ट्रांसफार्मर में कुछ भी मूविंग नहीं है, दैट्स व्हाई मैक्सिमम 85-90 पहुंचता है, मगर उसमें भी लॉसेज होते हैं। कौन से, हमिंग लॉस, हमिंग, गुंजन हानि, किसी ट्रांसफार्मर के पास खड़े हो ना, तो हमने क्या म्यूजिक सुनने के लिए लगाया तेरे को, फिर भी वो म्यूजिक सुना रहा है, एनर्जी का लॉस तो हो रहा है, मैग्नेट की क्षमता का लॉस, मैग्नेट खराब हो जाता है। अरे हाँ हाँ, तो मैं आपको टाइम टेबल दे रहा हूं, यदि आप काम कर पाए तो रिजल्ट के दिन मिठाई लेकर आओगे, और टाइम टेबल नहीं आपने फॉलो किया तो मोबाइल स्विच ऑफ करके तकिए में मुंह घुसेड़ के तकिया गीला कर दोगे आंसुओं से। हाँ हाँ, ऐसे ही करते ना। लिखिए, आप अपने आप को खुद टारगेट दे दो कि ये बचा हुआ होमवर्क आप कितने मिनट में घर जाके करेंगे। मेरा मानना है कि 80 मिनट में हो जाना चाहिए, सीरियस बैठोगे तो।
अब आप खुद का सोच लो 70 या 90, लिख लो खुद ही कि मैं बचे हुए सारे क्वेश्चन घर पहुंचकर इतने मिनट में करूंगा ओब्लिक करूंगी। ये कसम खिलवा के भेज रहा हूं दीदी, सेंटेंस में लिखो पूरा। हाँ नहीं, परीक्षा के बाद तुम्हारे माँ बाप मिलने आए तो मैं कॉपी दिखाऊंगा कि बच्चे ने घर जाके कसम पूरी करी क्या। ठीक ठीक है। तो भैया मान लो कि अभी 1:15 बजा है, तुम 2 बजे तक घर पहुंच गए, खाना खाए, हाथ मुंह धोए, ठीक है भैया 2:30 बज गई, 2:30 बजे तुमने मेरा काम शुरू किया, 4 बज गई, 4 बजे के बाद क्या करोगे? मैं आपको वही तो दे रहा हूं, आप मेरे हिसाब से काम करके देखो, फिर आप जलवे देखना। आप सबके पास इंटरनेट है फिलहाल, है ना, इंटरनेट है ना, तो लिखो होमवर्क आज, मतलब आज का होमवर्क है, कल चेंज हो जाएगा। JEE मेन 2016 का पूरा पेपर विथ सॉल्यूशन किसी न किसी वेबसाइट से डाउनलोड करना PDF। मेरी वेबसाइट पर सिर्फ मैथ्स का सॉल्यूशन है, मेरा शॉर्ट ट्रिक के साथ है, ये भी खुशी की बात है। तो मेरा शॉर्ट ट्रिक के वजह से डाउनलोड करना, और किसी और कोचिंग लाइक रेजोनेंस, फिटजी, अलेन, किसी का भी और डाउनलोड करना फिजिक्स केमिस्ट्री के सॉल्यूशन के लिए, ठीक। और उन लोगों की वेबसाइट पे पूरे सेट होते हैं 0 से 9 तक, मेरी वेबसाइट पे कोई एक ही सेट होगा, क्वेश्चन तो सेम होते हैं बस ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो मेरे को जो स्टूडेंट सबसे पहले लेकर आया उसको मैं सॉल्व करता हूं, ठीक है ना। राजा भार्गव लेकर आया था मेरे पास, उसका सिलेक्शन भी है, IIT में बैठा है वो, ये रहा राजा भार्गव, विक्रम स्कूल का बच्चा। और आकर उसने सबसे पहले सिलेक्शन का जब कॉल लेटर आ गया और पहुंच गया, तो उसने आके मुझे सबसे पहले थैंक यू बोला। आप चाहो तो फेसबुक पे ढूंढ के पूछ सकते हो उसको, उसमें नहीं होगा, छोटी रेड बुक तो बहुत पुरानी है ना, ये तो इस साल छपी, 2016 का रिजल्ट है ये। तो उसने आकर ये बोला कि सर हम तो विक्रम स्कूल में थे और बहुत ही मध्यम कैटेगरी से नीचे वाली जो लेयर होती है उन घरों के बच्चे थे, हमको तो IIT मालूम नहीं था। 10वीं मैंने फ्री पढ़ाई थी पूरे साल, फिर 11वीं 12वीं चार्जेबल। तो उसने कहा कि हमको तो IIT मालूम नहीं था और कभी सपने में भी IIT नहीं सोच सकते थे, और आपने 10वीं की क्लास शुरू हुई, 10वीं का बैच मेरा कब शुरू होगा, 10 अप्रैल को, 2 तारीख को क्या होगी आपकी JEE मेन होगी। भाई साहब मैं 10वीं के पहले दिन JEE मेन का सॉल्यूशन 10वीं के बच्चों को करवाता हूं, उनके 9th और 10th के नॉलेज के दम पर होंगे कि नहीं होंगे बहुत सारे क्वेश्चन, तो उनमें ऐसा जोश आ गया कि अब तो हम फोड़ डालेंगे, और वो IIT पहुंचा। तो किसी के अंदर जोश भरना इंपॉर्टेंट होता है। तो मेरी वेबसाइट से राजा भार्गव का पेपर और मेरा सॉल्यूशन डाउनलोड करना, किसी और जगह से फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए डाउनलोड करना। तो वो पेपर 3 घंटे में सॉल्व होना चाहिए, नहीं हो पाएगा तो भी 3 घंटे में रोक देना, मोबाइल बंद, सॉल्यूशन नहीं देखना, और ईमानदारी से 3 घंटे हाथ मुंह धो के बाथरूम जाके पानी बोतल पास में रख के घर में बैठ जाना, टेबल कुर्सी पे या जमीन पे, और 3 घंटे तक सिर्फ पेपर सॉल्व करना, गलत गया सही गया छोड़ा पकड़ा सब साइड की बात, और पूरा 3 घंटे पेपर हो जाए फिर आंसर मिलाना। तुम अपने आंसर कहाँ लिखना, अपने एक कॉपी के एक पेज पर, फर्स्ट का बी, सेकंड का सी, थर्ड का डी, ऐसा, और फिर कॉपी चेक करना, जो सही गए झंझट खत्म, गलत गए या छोड़े उनके सॉल्यूशन सीखना, उसके आसपास की थ्योरी सीखना, आपके पास बुक होगी। इतना करते करते 9 बज जाएंगे, तुरंत सो जाना,
मैंने पीसीएम की बात क्यों करी? मैं अकेली मैथ्स बहुत अच्छी कर दूंगा ना, पता चला फिजिक्स केमिस्ट्री आपकी बहुत बुरी है तो लफड़ा हो जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि पीसीएम पर भी ध्यान दिया जाए, ठीक है? अच्छा, एक मेरे फायदे की बात आपको बताऊं, क्लास ट्वेल्थ का बैच मैंने चालू किया है, लगभग ये हॉल भरा ही रहता है, उतने बच्चे होते हैं, मगर और एडमिशन आए ऐसी हमारी इच्छा है। तो आपके घर के आसपास 11 से 12th मूविंग बच्चे होंगे तो विदाउट एनी चार्ज 15 दिन तक डेमो, उसके बाद 15 दिन में जो पढ़ाया उसका स्कॉलरशिप टेस्ट, और फिर उनके मार्क्स देखकर डिस्काउंट, और फिर उनको अच्छा लगे तो ज्वाइन करें, नहीं तो जाओ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक? तो मेरी आज शाम को 6 बजे क्लास है, आप अपने परिचित लोगों को भेज सकते हैं, और जो 2-3 लेक्चर उनके छूट गए हैं यदि आप उनको जल्दी भेजो तो मैं वीडियो पे रिकवरी करवा सकता हूँ। आप लोगों का भी जिनका फर्स्ट लेक्चर कल का छूट गया है, आप अभी आधा घंटा फ्रेश हो जाओ, फिर कंप्यूटर पर बैठकर रिकवरी कर सकते हैं। हेडफोन हम प्रोवाइड करेंगे फर्स्ट डे, कल से आप अपने खुद के लेकर आना। यस भैया, थैंक यू। 2016 का पेपर ना मिले ना ऑनलाइन तो 15 का, 14 का, 13 का कभी का भी एक डाउनलोड कर लेना, और 13 से पुराना डाउनलोड करना हो तो AI ट्रिपली शब्द यूज करना।